चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्तों सभी को एक बार फिर से जोहार नमस्कार सतरेकाल स्वागत है आप सभी का फिर से करियर फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और मैराथन क्लास का सेशन चल रहा है कल के मैराथन क्लास में आप लोगों ने आ, बहुत कुछ जाना बहुत कुछ सीखा और आप लोगों का काफी सहयोग भी मिला काफी सपोर्ट भी मिला ठीक है कल के क्लास में मैंने जो सवाल लिए थे वो, से वो सेक्शनल है ठीक है यानी आज का जो मैराथन क्लास है उससे मेरा यह प्रयास होगा कि आपका झारखंड का भूगोल ठीक है झारखंड का भूगोल यानी झारखंड ज्योग्राफी जो है वो एक क्लास के अंदर पूरा जो है आ, रिमाइंडर आपके दिमाग में क्या बोलते हैं उसको रिवाइंड हो जाए ठीक है पूरी तरह से दिमाग में जो झारखंड का भूगोल अगर आपने पढ़ के रखा होगा तो इस क्लास के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि सभी जो इधर उधर इधर उधर जाकर के चीजें दिमाग में बैठी हुई होंगी उन सबको एक बार जगाने का प्रयास करूंगा और फुल टू फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास होगा क्योंकि आप जानते हो दोस्तों कि सवालों की संख्या अगर आज आज सवालों की संख्या यहां पर आपको दिखेगी नंबर तो साठ ही दिखेगा लेकिन मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उससे कम से कम भी तो अढ़ाई सौ से तीन सौ सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है ढाई सौ से तीन सौ सवाल आज के सेशन में डिस्कस करेंगे तो अगले दो ढाई घंटे तक दो घंटे तक कम से कम ढाई घंटे तक हमारे साथ जरूर बने रहें है ना और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग आ गए हैं और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में ताकि हम सेशन को शुरू कर सकें और धुआंधार तरीके से सेशन को आगे बढ़ा सके ठीक है कल के सेशन के बाद कुछ चीजें मुझे पहले बतानी पड़ रही है क्लास के पहले है ना क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बाद में वीडियो देखते हैं बाद में वीडियो देखने के बाद वो कमेंट करते हैं ठीक है तो कुछ बातें आपको मैं पहले बता देना चाहता हूं कुछ लोग जो है ना अब बोलेंगे मैंने झारखंड का भूगोल रिवीजन लाया है झारखंड का भूगोल का मैराथन क्लास है ये इसमें मैं पूरा झारखंड का भूगोल कराने वाला हूं ठीक है एमसीक्यू के माध्यम से इसमें कुछ हमारे भाई थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास करते हैं ठीक है पढ़ लिए हैं तो आपको आसान लगेगा कहीं जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड सवाल होगा तो निश्चित ही आपको आसान लगेगा तो कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर लेबल बढ़ाइए है ना अब एक सेक्शन है मान लीजिए कि पचास सवालों का एक सेक्शन है झारखंड भूगोल का तो पचासों सवाल का लेबल ऊपर किया जा सकता है क्या बताइए नहीं किया जा सकता है जो चीजें आप पढ़ चुके हैं जो आपको याद होता है वो आपको आसान लगता है जो चीजें नहीं पढ़े होते हैं वो आपको टफ लगता है ठीक है लेबल जितना मैं कराता हूं उतना इनफ है मैक्सिमम है वो है ना उससे ज्यादा लेवल होता ही नहीं है झारखंड जीके में ठीक है इतना मैं प्रमाणित तौर पर आपको कह रहा हूं तो इस तरह के कमेंट करने से बचें। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं बहुत सारी चीजें करके आते हैं अपना पूरा हंड्रेड परसेंट देते हैं उसके बाद भी अगर आप ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में इस तरह के कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होता है ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं है ना और फटाफट जुड़ जाइए 200 लोग आ गए हैं फटाफट शेयर कीजिए फालतू बातों पर ध्यान क्या मैं केवल सेशन पर ध्यान दूंगा आप लोग जो है ना बहुत सारे लोग बाद में जो वीडियो देखते हैं ना वो सब इस तरह की बातें करते हैं मैं उनको पहले ही सचेत कर रहा हूं जी तो चलिए सभी लोग जुड़ गए हैं सेशन की शुरुआत करते हैं और दोस्तों पहले मैं बता देता हूं इसमें क्या क्या चीजें होंगी आज आज मैंने पर्यावरण को नहीं रखा है इसमें मैंने किसको रखा है तो झारखंड का भूगोल है ये ठीक है झारखंड का भूगोल ये पूरी तरह से झारखंड का भूगोल है इसमें पर्यावरण नहीं है पर्यावरण को लेकर के आपदा प्रबंधन पर्यावरण और वन प्रबंधन को लेकर मैं अलग से मैराथन क्लास दूंगा वन वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आपदा प्रबंधन और पर्यावरण इन सब को मिलाकर के एक अलग लाइव सेशन होगा मैराथन ये चीज नहीं है इसमें आज के क्लास में आज पूरा प्योर भूगोल है है ना आज पूरा प्योर भूगोल है ठीक है दोस्तों ये पह, पहले क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दिया अब चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत कर करते हैं आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या है ये रहा आप सभी के स्क्रीन पे आसान सा सवाल है ना लेकिन यहां से भी मैं आप लोगों को कुछ चीजें पूछना चाहूंगा है ना सवाल तो आसान है दोस्तों लेकिन कुछ चीजें आप लोग को सीखने को मिलेगा इस सवाल से भी ठीक है क्वेश्चन ये है कि झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है पहला जो सब मैंने सवाल लिया है वो लिया है जलवायु से है ना पहला जो सवाल लिया वो किससे लिया है जलवायु से लिया है तो झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ये मेरा पहला सवाल है आप लोग पहले इसका उत्तर दीजिए फिर मैं इसका एक क्रॉस क्वेश्चन आप लोगों को आप लोगों को दूंगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उत्तर दे दिए होंगे बिल्कुल सही बिल्कुल सही आंसर आ गया है आसान सा सवाल है और इसका जो सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु झारखंड के अंदर पाई जाती है ठीक है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु झारखंड में पाई जाती है अब ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जो जलवायु होती है चूकी झारखंड में पाई जाती है इसलिए आप लोगों को इसकी विशेषता बतानी है आप लोग मुझे बताइए कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जो जलवायु होती है उसकी क्या विशेषता होती है है ना उसकी क्या विशेषता होती है आप लोग को कॉमेंट करना है चलिए फटाफट बताइएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या होती है दोस्तों आपको बता दें कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु की एक सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक मौसम में उतार चढ़ाव आता रहता है है ना प्रत्येक मौसम में प्रत्येक मौसम में मौसम में उतार चढ़ाव आता रहता है यानी कि गर्मी आएगा बरसात आएगा ठंड का दिन आएगा है ना उसके बीच में भी मौसम बदलेंगे तो मानसूनी प्रकार की जलवायु की यह विशेषता है कि मौसम में उतार चढ़ाव आता रहता है कभी गर्मी पड़ती है कभी ठंडी पड़ती है अभी जैसे ठंडी पड़ रही है ठंडे पड़ने के बाद बसंत आएगा बसंत आने के बाद गर्मी आएगी है ना गर्मी आने के बाद बरसात का मौसम आएगा शरद ऋतु आएगा उसके बाद फिर से ठंडी आ जाएगी तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु की विशेषता है दोस्तों ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का बिल्कुल सही कमेंट आया था लेकिन यहां ये चीज आप लोग जरूर सीख लीजिएगा क्योंकि कई बार ना सवाल थोड़े स्टैंडर्ड लेवल का जब एग्जाम में पूछता है

वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं अगर आपको स्लो लग रहा है तो मेरा यहां पर लाइव क्लास है तो लाइव क्लास में क्या है कि मुझे एक बेसिक स्टूडेंट से लेकर के एक एडवांस स्टूडेंट को साथ में लेकर चलना पड़ता है एक टीचर की नजर से अगर आप देखिएगा आप केवल अपना देखते हैं ना जो लोग फास्ट करवाने बोलते हैं केवल अपना भला देखते हैं लेकिन अगर आप हमारी जगह होंगे और आपको टीचिंग करने के लिए कह दिया जाएगा तो आपको यह देखना पड़ता है कि आपके सामने हर लेवल के स्टूडेंट बैठे हुए हैं ठीक है आपके सामने एक औसत दर्जा का स्टूडेंट भी है आपके सामने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है आपके सामने वैसे स्टूडेंट भी है जो थोड़े कमजोर है तो सभी को बैलेंस करके चलने के लिए जो पढ़ाने का रफ्तार है वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो इन सब बातों को आप लोग को थोड़ा समझना पड़ते पड़ेगा ठीक है दोस्तों तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है ये क्वेश्चन भी मैंने पहले भी आप लोगों को कराया है इसलिए आप लोग को जरा भी इसमें संकोच नहीं होना चाहिए तुरंत के तुरंत आप लोग उत्तर दीजिए है ना फिर बहुत सारी बातें आप लोग को बतानी है आज बहुत सारी चीजें आप लोग को रिविजन करवानी है ठीक है तो दोस्तों झारखंड की अर्थव्यवस्था वैसे तो झारखंड के लोग ज्यादातर लोग 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं है ना झारखंड के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं लेकिन झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है यानी झारखंड सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति होती है झारखंड की जो अर्थव्यवस्था चलती है उसमें सबसे ज्यादा जाद अगर रोल है तो यहां चूंकि ये रूर प्रदेश कहलाता है छोटा नागपुर का पठार से खनिजों से भरा हुआ है और खनिज आधारित उद्योग झारखंड की अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार माना जाता है, है ना झारखंड में खनन और खनन आधारित उद्योग ये जैसे आप देखिए पश्चिमी सिंहभूम साइड में सिंहभूम में सिंभूम अगर पूरा ही देख लें तो सिंहभूम क्षेत्र में आप देखेंगे कि लौह अयस्क से संबंधित आपका यूरेनियम से संबंधित कॉपर हो गया ये सारा उधर खनन होता है खनन क्यों होता है क्योंकि उसको खनन करके उससे चीजें बनाई जाती है उसके रिलेटेड उद्योग है उद्योग में लोग लगे हुए हैं आप गोंडवाना क्षेत्र में चले जाइए दामोदर घाटी क्षेत्र तो उन क्षेत्रों में कोयला निकलता है फिर कोयला का धोवन होता है कोयला को भेजा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू तो खनन और खनन आधारित उद्योग जो है झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार माना जाता है ठीक है क्लियर हो गया सबका चलिए वेरी गुड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था आज फिर से कर लीजिए इसको क्योंकि भूलने वाला सवाल होता है जनरली इसमें डिग्री सेकेंड में, में लोग भूल जाते हैं इसलिए मैं एक बार फिर से आपको यहां पर रिवाइज करवा दे रहा हूं अच्छा विस्तार और देशांतर विस्तार के बारे में ठीक है तो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए और जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं ना सभी लोग सर झारखंड की व्यवस्था अरे वही चीज तो बताए अंचित कुमार चक्रवर्ती शुरुआत में ही बताए झारखंड के लोगों की अर्थव्यवस्था में का अगर प्रमुख आधार बोलेगा ना तो कृषि है समझे झारखंड के लोगों का बोलेगा तो कृषि है लेकिन झारखंड का बोलेगा तो उसमें खनन और खनन आधारित तो उद्योग होगा ठीक है मैंने पहले ही बता दिया इसको चलिए तो दोस्तों आप लोग को छांसी विस्तार कल भी बताए थे ना इक्कीस डिग्री अंठान मिनट दस सेकेंड उत्तरी इसको लिखना मत भूलिएगा उत्तरी से पच्चीस 19, 19 मिनट ये, ये, है। है? ये पूर्वी जो है वो क्या है आपका ये आपका देशांतरी विस्तार है इसमें समय नहीं लेंगे क्योंकि कल हम इसको डिस्क्राइब किए थे डिटेल में आप लोग को बताए थे ये क्वेश्चन भी आप लोग कल हम करवाए थे कल चुके ओवरऑल प्रश्न था आज भूगोल स्पेशल है तो ये सब क्वेश्चन करवाना जरूरी भी था ठीक है तो दोस्तों झारखंड में देखिए यहां पर मैं एक छोटा सा मानचित्र बना दे रहा हूं ताकि समझाने में मुझे थोड़ी सी सहूलियत हो ठीक है ये इस तरह से कुछ झारखंड का मानचित्र आपको देखने को मिलता है ठीक है तो इसमें जो सबसे पश्चिमी बिंदु से लेकर के सबसे पूर्वी बिंदु तक का जो ये वाला लंबाई है उसको बोला जाता है पूरब से पश्चिम तक की लंबाई और ये जो है आपका कितना है ये है दोस्तों चार किलोमीटर कितना चार किलोमीटर और यहां पश्चिमी सिंहभूम से लेकर के यहां साहेबगंज है ना साहेबगंज का जो ये है सबसे ज्यादा ये चौड़ा वाला क्षेत्र है तो ये है 380 किलोमीटर ठीक है 380 किलोमीटर ठीक है ये सभी याद है आप लोग को बेसिक सवाल से शुरू किए हैं धीरे धीरे अभी आप लोग को पूरा रिवीजन कराएंगे लेवल बढ़ाएंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है है ना देखिए झारखंड का कुल क्षेत्रफल जब पहले ये किया गया था तो चौदह वर्ग किलोमीटर था लेकिन वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया दो में जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया उसमें कहा गया उनासी वर्ग किलोमीटर वर्तमान में झारखंड सरकार का डेटा लीजिएगा तो उन्नासी 716 सो किलोमीटर माना जाता है, ठीक है? मगर दोनों ऑप्शन में आपको कभी नहीं मिलेगा एग्जाम में, आपको ऑप्शन में कोई एक ही मिलेगा, वो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों? क्लियर हो गया सबका? तो यहां पर झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42 परसेंट है, ठीक है कितना है? 2.42 परसेंट झारखंड है यानी टोटल भारत का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो उसमें से दो चार दो प्रतिशत क्षेत्र में झारखंड क्षेत्र फैला हुआ है अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा झारखंड में है है ना देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखते हैं तो झारखंड की जो कुल जनसंख्या है तीन करोड़ उन्तीस लाख अट्ठासी हजार एक सौ चौतीस है कितना तीन करोड़ उन्तीस लाख अट्ठासी हजार एक सौ चौतीस ये कब का पॉपुलेशन है दो हजार ग्यारह की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये पॉपुलेशन है और ये टोटल भारत के पॉपुलेशन का टू पॉइंट सेवन टू परसेंट है सब जानते हैं ना टू पॉइंट सेवन टू परसेंट है ठीक है दोस्तों अच्छा अब यहां से एक सवाल और पैदा होता है कि झारखंड जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन से नंबर पर आता है ठीक है कौन से नंबर पर आता है तो जब तेलंगाना राज्य बन गया उसके बाद से अगर हम बात करें तो झारखंड जो है जनसंख्या की दृष्टि से है ना दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का जो स्थान आपको याद रखना है वो फोर्टीन याद रखना है क्या याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा है दोस्तों चौदहवा स्थान है ये सब आप लोग रिवाइज कर लीजिए पंद्रहवा मत बोलिए फोर्टीन नंबर पर है ठीक है नेक्स्ट देखिए अगला सवाल देखिए आ गया थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान निम्न में से कौन है है ना देखिए झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना मतलब झारखंड की भूमि के अंदर की बात यहां पर की जा रही है ठीक है तो सबसे यहां पर पूछ क्या रहा है आपको कि सबसे नवीनतम चट्टान कौन है जब भी नवीनतम की बात की जाती है चाहे वो नवीनतम चट्टान की बात की जाए चाहे वो नवीनतम मिट्टी की बात की जाए है ना दोनों ही केस में आंसर जो होता है वो क्या होता है जलोड़ निक्षेप से बनी चट्टान या फिर मिट्टी पूछता तो जलोड़ होता क्योंकि दोस्तों जलोड़ मिट्टी जो होता है वो लगातार बहाव के कारण निर्मित होता रहता है पानी के बहाव के कारण क्या होता रहता है निर्मित होता रहता है इसलिए उससे बनी हुई जो चट्टान है वही सबसे नई होगी उसके अलावा जो चट्टाने हैं वो सबसे पुरानी पुरानी होंगी ठीक है जैसे अगर सबसे प्राचीनतम पूछता अगर आपको कि बताइए कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सा है तो उसमें कौन सा हो जाता उसमें हो जाता आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टाने ठीक है सबसे प्राचीन कौन सा हो जाता है दोस्तों आर्कियन ग्रेनाइट आर्कियन ग्रेनाइट ग्रेनाइट नीस एवं क्रम की चट्टाने ठीक है क्रम की चट्टाने ये चट्टाने जो है दोस्तों वो सबसे प्राचीनतम चट्टान है और सबसे प्राचीनतम चट्टान होने के कारण आर्कियन नीस एवं धर्मवार क्रम की चट्टाने जो है आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं क्रम की चट्टाने जो है इसको हम लोग पैतृक चट्टान भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको पैतृक चट्टान भी कहते हैं जो सबसे प्राचीनतम चट्टान है इसलिए उसको पैतृक बोलते हैं ठीक है समझ में आ रहा है आप लोग को जो सबसे नई चट्टान है वो कौन सी है जलोर निक्षेप से निर्मित जो चट्टान है वो सबसे नई सबसे, सबसे नवीनतम चट्टानों में आता है ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत है क्या बोलो नहीं है ना दिक्कत बहुत बढ़िया दोस्तों आपको बताना है बहुत सारा धरातलीय स्वरूप भी बताएंगे अभी भूगर्भिक संरचना का एक सवाल था ठीक है समझ में आ रहा है ना रिवाइज हो रहा है ना चीजें आप लोग का बताते जाइएगा अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे पैतृक चट्टान आ गया वही सवाल जो मैं आपको अभी बता रहा था वही सवाल आ गया किसको पैतृक चट्टान कहते हैं है ना तो पैतृक चट्टान किसको बोलेंगे जो सबसे प्राचीन चट्टान होगा है ना जो सबसे प्राचीन चट्टान होगा उसको पैतृक चट्टान बोलेंगे और मैंने अभी आपको क्या बताया कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना में जो सबसे प्राचीनतम चट्टान है वो कौन सा है दोस्तों कौन सा है आर्कियन आर्कियन ग्रेनाइट ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टाने धारवाड़ की क्रम की चट्टाने ठीक है आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टाने जैसा कि कल के सेशन में मैंने आपको बोला था कि पेपर पेन ले करके बैठिएगा कॉलम बना लीजिएगा ताकि मेरा उत्तर अपना उत्तर दोनों अलग अलग लिखिएगा लास्ट में आप देखिएगा कितना नंबर आपका आया है आज के टेस्ट में और कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको लगेगा उसको साइड में लिखते जाइएगा उससे आपका रिवीजन भी होगा और बाकी एग्जाम टाइम ये सारी चीजें एक बार थ्रू आउट रिविजन करने में आपको बहुत बेनिफिट करेगा ठीक है तो ये जरूर कीजिएगा दोस्तों तो प्राचीन चट्टान है उसी को क्या बोलते हैं पैतृक चट्टान भी कहा जाता है तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा धड़वाड़ क्रम की चट्टाने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना धड़वार क्रम की चट्टाने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और लोहा वगैरह जो पाया जाता है दोस्तों वो इसी धड़वार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है लोह वगैरह अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा ये परत वाली चट्टाने पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला सिमडेगा एवं झारखंड के पूर्वी भाग में है यह चट्टाने आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं यह कथन किस प्रकार की चट्टान के बारे में बोला जा रहा है क्वेश्चन को समझ लिया आपने क्वेश्चन को ढंग से समझा आपने बोल रहा है ये परत वाली चट्टाने पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम में सरायकेला में सिमडेगा में भी मिलता है थोड़ा झारखंड के पूर्वी भाग में भी थोड़ा मिलता है कौन सी चट्टान के बारे में ये कहा जा रहा है ठीक है तो जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए मुझे लगता है सबका सही उत्तर आ रहा है ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो धारवार क्रम की चट्टानों के विषय में कहा जा रहा है किसके बारे में कहा जा रहा है धारवार क्रम की चट्टानों के विषय में ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ठीक है चलिए वेरी गुड नेक्स्ट सवाल आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपो का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से होता है अब कोयला वाली बात कर लेते हैं दोस्तों कोयला जो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा वो कहां मिलेगा तो दामोदर घाटी का कौन सा वाला क्षेत्र जो गोंडवाना क्षेत्र है है ना दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र में आपको कोयला देखने को मिलता है और सवाल यहां पर कुछ उसी प्रकार का है झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी की चट्टानों से हुआ है जैसे आपको मैंने बताया कि धारवाड़ श्रेणी की चट्टानों से जो खनिज मिलते हैं वो लौ आया आधारित खनिज ज्यादातर होते हैं जैसे कि वो मैग्नीज होता है जैसे कि वो लोहा होता है लौ अयस्क होता है ये सब धारवार क्रम की चट्टानों से देखने को मिलता है है ना जबकि कोयला निक्षेप जो है कोयला निक्षेप जो है वो कौन से चट्टान में मिलता है दोस्तों तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला निक्षेप देखने को मिलता है है ना गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला निक्षेप देखने को मिलता है बिंध्यन क्रम की चट्टान से बलुआ जो पत्थर है ठीक है वो आपको बिंध्यन क्रम की चट्टानों से देखने को मिलता है दोस्तों क्लियर है सब सब क्लियर होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है सो बताइए मुझे क्लियर हो रहा है सब कुछ चलिए बहुत बढ़िया सब लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए कल का रिकॉर्ड तोड़ना है कल आप लोग लगभग लोग लाइव थे आज कम से कम 700 लोग लाइव जोड़ना है दोस्तों आप लोग को आधे घंटे होने को अभी तक जोड़ नहीं पाए हैं आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए दबा के है ना और आप लोग एक काम बस कर लीजिए एक एक लाइक सब लोग जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से एक एक लाइक दबा दीजिए दोस्तों एक एक लाइक बटन ताकि सबको मालूम चल जाएगा क्लास शुरू हो चुका है धमाकेदार मैराथन सेशन झारखंड का भूगोल का मैराथन ठीक है चलिए तो ये वाला क्लियर हो गया बलुआ पत्थर चूना पत्थर आपको कौन से किसमें मिलेगा इसमें कौन सा मिलता है इसमें मिलता है बलुआ पत्थर चूना पत्थर बलुआ पत्थर चूना पत्थर जैसे चीजें आपको इसमें मिलेंगी गोंडवाना में आपको मिल जाएगा वो कोयला में मिल जाएगा लॉ से रिलेटेड खनिज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को पाठ प्रदेश कहा जाता है अब आ जाओ पाठ प्रदेश में और पाठ प्रदेश को हम पूरा यहां पर खत्म ही कर देते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से पाठ प्रदेश को पूरा का पूरा यहां पर हम रिवाइज करवा देते हैं दोस्तों बड़े बड़े इत्मीनान से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए पहले उत्तर दीजिए फिर हम इसके बारे में बात करेंगे जी बिंधियन गढ़वा में पाया जाता है बिल्कुल सही कहा खालिद ने आपने चलिए तो दोस्तों पाठ प्रदेश की बात करें उत्तर पहले आप लोग का आना चाहिए कौन सा उत्तर होगा दोस्त बताओ कौन सा उत्तर होगा पलामू लोहरदग्गा गुमला गढ़वा यही ना होगा पाठ क्षेत्र में कौन कौन सा हो जाएगा चलिए सी आंसर जिनका भी आ रहा है पलामू लोहरदगा, गुमला गढ़वा फिर से आप लोग का एक चीज इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ है, लग रहा है. बी सी बी सी कर रहे हैं ये क्वेश्चन में पलामू लाते हर गुमला मुझे लगता है इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिसर्च करना पड़ेगा मैंने पिछले बार भी लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीजें हुई थी चलिए कुछ और चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पाठ क्षेत्र का आकृति पूछा जाता है आपको कई बार क्या पूछा जाता है आकृति पूछा जाता है ठीक है तो पाठ क्षेत्र की आकृति कैसी है दोस्तों त्रिभुजाकार है कैसी है त्रिभुजाकार है और इस त्रिभुजाकार के बारे में अगर डिटेल में जाएंगे तो इसका आधार उत्तर में है ठीक है और इसका जो शीर्ष है वो दक्षिण में है ठीक है इसका जो आधार है इसका उत्तर में है और शीर्ष जो है वो दक्षिण में है ठीक है ये बात क्लियर हो गया आप लोग का तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है आधार इसका शीर्ष में है यानी कि आधार आपका उत्तर में है और शीर्ष जो है वो दक्षिण में है पाठ क्षेत्र की बात करें ये झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है और तो और इसके बारे में इसमें जो सबसे ऊंचे ऊंचे पाठ हैं उसके बारे में बता देता हूं सबसे ऊंचा है आपका कौन सा नेतरहाट पाठ सबसे ऊंचा कौन सा है दोस्तों बताइए जल्दी से सबसे ऊंचा है नेतरहाट पार्ट एक नंबर पर दूसरे नंबर पर कौन सा है गणेशपुर पार्ट गणेशपुर पार्ट और तीसरे नंबर पर कौन सा है जनीरा पार्ट ठीक है नेतरहाट पार्ट गणेशपुर पार्ट जनीरा पार्ट नेतरहाट पाट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों 1180 मीटर. 1180 मीटर मीटर नेतरहाट पाट की ऊंचाई है मीटर मीटर है इसका 1171 मीटर किसका है गणेशपुर पाट का और जनीरा पाट का है 1142 मीटर कितना 1142 मीटर इसको याद रखिएगा आप लोग आकृति त्रिभुजाकार है आकृति त्रिभुजाकार है और तीन जो सबसे ऊंचे पाठ इसके पाठ क्षेत्र के जो सबसे ऊंचे भूभाग हैं उसमें नेत्रहाट पाठ 1180 मीटर गणेशपुर पाठ ग्यारह मीटर और जनीरा पाठ ग्यारह मीटर है ठीक है दोस्तों क्लियर हो गया सबका बहुत बढ़िया चलिए तो ये सारे इंफॉर्मेशन पाठ क्षेत्र के बारे में याद रखिएगा अच्छा हाँ पाठ क्षेत्र के बारे में एक चीज और पूछा जाता है कि पाठ क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है है ना क्या पूछा जाता है पाठ क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है तो पाठ क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है है ना 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है अगर फीट में पूछ दिया जाए तो तीन फीट है ना तीन हजार फीट इसकी औसत ऊंचाई है पाठ क्षेत्र की ठीक है दोस्तों क्लियर हो गया सबका चलिए ग्यारह सो अस्सी ग्यारह इकहत्तर ग्यारह सौ बयालीस याद रखिएगा 900 मीटर इसका औसत ऊंचाई याद रखिएगा 3000 फीट या 900 मीटर याद रखिएगा इसका जो आकृति है त्रिभुजाकार है जिसका आधार उत्तर में है और इसका शीर्ष जो है वो दक्षिण में है है ना इसके तीन सबसे प्रमुख पार्ट में तरहाट पार्ट ग्यारह सो अस्सी गणेशपुर पार्ट ग्यारह सो इकहत्तर और जनिरा पार्ट ग्यारह सो बयालीस मीटर है अगला सवाल देखते हैं ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं नहीं सिमडेगा इसमें नहीं आता है सिमडेगा इसमें नहीं आता है दोस्त ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में भी हम काफी कुछ रिवाइज करेंगे। झारखंड में निम्न में से किस क्षेत्र में जलोड़ मृदा पाई जाती है मिट्टी का ये सवाल है और मिट्टी में भी हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस हम, आ, कर लेते हैं यहीं पर कर लिया जाए यहीं पर पहले सवाल का उत्तर तो दे दीजिए पहले सवाल का आंसर दीजिए फिर हम लोग इसके बारे में और भी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों इस सवाल को अगर देखें तो झारखंड में निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है है ना मैप से बता दे क्या देखो जलोढ़ मृदा दो क्षेत्र में पाई जाती है एक जहां से गंगा नदी बहती है है ना झारखंड में जिस क्षेत्र में गंगा नदी घाटी क्षेत्र है और दूसरा स्वर्णरेखा नदी स्वर्णरेखा नदी घाटी है. है ना एक गंगा नदी घाटी क्षेत्र और दूसरा स्वनरेखा नदी घाटी क्षेत्र और गंगा नदी जैसा कि आप जानते हैं साहेबगंज के साइड में बहती है गंगा नदी घाटी क्षेत्र साहेबगंज का ही क्षेत्र है और सिंभूम क्षेत्र जो है दोस्तों वो स्वनरेखा नदी घाटी क्षेत्र के ये में आता है ठीक है तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा डी होगा ए और बी दोनों है ना ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है सबका कोई दिक्कत नहीं है ना साहेबगंज और सिंभूम साहेबगंज और सिंहभूम का क्षेत्र जो है वो जलोड़ मृदा की अधिकता है दोस्तों आ जाइए हम लोग यहीं पर एक बार मिट्टी को रिवाइज कर लेते हैं कैसा रहेगा बताइए यही इसी सवाल में अगर हम मिट्टी रिवाइज कर लें तो पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं कर लेते हैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि झारखंड में कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है कितने प्रकार की पाई जाती है दोस्तों झारखंड में पाए जाने वाली पाए जाने वाली मृदा ठीक है झारखंड में पाए जाने वाली मृदा कौन कौन सा है भाई एक नंबर पर आप किसको रखते हैं लाल मिट्टी किसको रखते हैं लाल मिट्टी है कि नहीं एक नंबर पे लाल मिट्टी को क्यों रखे हैं दोस्तों क्योंकि झारखंड के 90 प्रतिशत भूभाग में लाल मिट्टी पाई जाती है ठीक है लाल मिट्टी ले लो दूसरे दूसरा कौन सी मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती कहाँ पाई जाती वो भी हम आपको बताएंगे थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा है ना रिवाइज हो जाएगा सारी चीजें बड़े गौर से सुनना है आप लोग को और पेपर पेन ले करके बैठना है है ना लाल हो गया काली हो गया लेटेराइट मिट्टी लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है झारखंड में तीन मिट्टी हो गया चौथा एक मिट्टी पाई जाती है झारखंड में रेतीली मिट्टी कौन सी मिट्टी रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है है ना पांचवा एक झारखंड में मिट्टी पाई जाती है अभरक मूलक मिट्टी है ना कौन सा अभरक मूलक मिट्टी और एक पाई जाती है जलोड़ मिट्टी कौन सी जलोड़ मिट्टी तो झारखंड में छह प्रकार की मृदा पाई जाती है कौन कौन सी दोस्तों कौन कौन सी मृदा पाई जाती है झारखंड के अंदर तो लाल मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है है ना काली मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है रेतीली मिट्टी पाई जाती है मूलक मिट्टी पाई जाती है और जलोड़ मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी जो है वो झारखंड के 90 प्रतिशत भूभाग में पाई जाती है लाल मिट्टी झारखंड के कितने भूभाग में नब्बे प्रतिशत भूभाग में पाई जाती है आपको बस इतना याद रखना है कि लाल मिट्टी दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल की उच्च भूमि को छोड़कर मेरी बात को गौर से सुनिएगा आसान है याद रखना लाल मिट्टी दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल के ऊंची जो भूमि है उन सब भूमि को छोड़कर कर जा, पूरे झारखंड में पाई जाती है ठीक है लाल मिट्टी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है 90 परसेंट में पाई जाती है पूरा जो गोंडवाना क्षेत्र को गोंडवाना क्षेत्र में नहीं पाई जाती है दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र में नहीं पाई जाती है यह राजमहल की उच्च भूमि में नहीं पाई जाती है उधर तो काली मिट्टी पाई जाती है है कि नहीं लेकिन उसके अलावा लाल मिट्टी पूरे झारखंड में पाई जाती है ठीक है ये छह प्रकार की मिट्टी है दोस्तों ये लाल मिट्टी की विशेषता आप लोगों को बता लाल मिट्टी के बारे में काली मिट्टी जो है झारखंड में आप लोगों को पता है राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है जहां पे चना वगैरह की खेती होती है ये रेतीली मिट्टी के बारे में भी एक प्रश्न पूछ देता है कभी कभी है ना ये रेतीली मिट्टी का क्या काम है भाई तो रेतीली मिट्टी जो है ये मोटे अनाज के उगाने के लिए फायदेमंद है इसमें मोटा अनाज उगाया जाता है रेतीली मिट्टी में मोटे अनाज के लिए ये लाभकारी माना जाता है ठीक है समझ गए सारी बातें चलो लाल मिट्टी से रिलेटेड एक और सवाल उन सभी छात्रों के लिए जो थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं बताइए मुझे कि लाल मिट्टी किस चट्टान के अवशेष से बनती है यह सवाल आप सभी के लिए है आप लोग मुझे एक बार जवाब दे दीजिए है ना लाल मिट्टी किस चट्टान के अवशेष से बनती है फटाफट बताइए सफेद मिट्टी मिट्टी के प्रकार में नहीं आता वो चलिए बहुत बढ़िया लाल मिट्टी किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित होती है तो दोस्तों यह नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से निर्मित होती है लाल मिट्टी की बात हम कर रहे हैं यह जो है नीस एवं ग्रेनाइट नीस एवं ग्रेनाइट नीस एवं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से निर्मित होती है कौन लाल मिट्टी है ना दोस्तों क्लियर हो गया सबका चलिए वेरी गुड तो यहां पर इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि आप लोग का पूरा मिट्टी जो है इस क्लास के माध्यम से रिवाइज हो जाए है ना तो उम्मीद करते हैं कि रिवीजन भी हो गया होगा दोस्तों है कि नहीं चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों से से एक बार फिर अनुरोध है कि सब लोग एक बार लाइक बटन को दबाइए कल से रिकॉर्ड आज तो टूटना चाहिए ना कल से आज कम कैसे हो सकते हैं है ना कल से तो आज ज्यादा होना चाहिए ना दोस्तों तो सभी से एक बार रिक्वेस्ट होगा सब लोग लाइक बटन को दबा दीजिए फिर आप लोग शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिए वो आपके ऊपर है मगर लाइक बटन बटन दबाना जरूरी है दोस्तों सब लोग दबा दीजिए एक बार ठीक है चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है निम्नलिखित में से कौन झारखंड के धरातलीय स्वरूप में सबसे ऊंचा भूभाग है देखिए अब हम लोग यहां पर ना झारखंड का धरातलीय स्वरूप को रिवाइज कर लेंगे है कि नहीं झारखंड के धरातलीय स्वरूप का प्रश्न आ गया है तो मैं यहां पर झारखंड के धरातलीय स्वरूप को पूरा रिवाइज करवा दूंगा दोस्तों ठीक है चलिए फटाफट बताइए आंसर पहले पहले आंसर बताइए फिर हम रिवाइज करवाएंगे इसके इस रिलेटेड सवाल देखिए कौन झारखंड के धरातलीय स्वरूपों में सबसे ऊंचा भूभाग है पाट क्षेत्र रांची का पठार हजारीबाग का पठार या निचली नदी घाटी इसका उत्तर आप लोग को देना है ठीक है इसका उत्तर आप लोग को देना दोस्तों ये बताइए जल्दी से देखिए धरातलीय स्वरूपों में अगर बात करें ना धरातलीय स्वरूपों में बात करें अगर धरातलीय स्वरूपों में बात करें तो सबसे ऊंचा भूभाग जो है वो कौन सा भूभाग है पाठ क्षेत्र है जिसके बारे में हम चर्चा तो कर ही दिए इसमें तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है सबसे ऊंचा भूभाग धरातलीय स्वरूप में कौन सा है पाठ क्षेत्र है अब चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर धरातलीय स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं कर लिया जाए बोलिए कर लिया जाए धरातलीय स्वरूप की चर्चा तो आइए हम लोग धरातलीय स्वरूप की चर्चा यहाँ पर करते हैं देखिए है। इसको मैं थोड़ा यहां पर छोटा कर दे रहा हूं प्रश्न को इधर रख दे रहा हूं है ना और यहां पर हम लोग करते हैं धरातलीय स्वरूप की चर्चा क्वेश्चन को मैंने रख दिया दोस्तों झारखंड के धरातलीय स्वरूप को अगर आप देखिएगा झारखंड का धरातलीय स्वरूप ठीक है तो ये जो है ना कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है कितने भागों में डिवाइड किया गया इसको बताइए इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है एक है आपका पाठ क्षेत्र ठीक है पहला क्या है पाठ क्षेत्र है दूसरा है रांची का पठार कौन सा रांची का पठार तीसरा है आपका हजारीबाग का पठार हजारीबाग का पठार और चौथा जो है उसको हम लोग कहते हैं निचली घाटी एवं मैदानी क्षेत्र क्या बोलते हैं निचली घाटी एवं मैदानी क्षेत्र ठीक है यानी झारखंड के धरात जो धरातलीय स्वरूप है उसको चार भागों में डिवाइड किया गया है पाठ क्षेत्र रांची का पठार हजारीबाग का पठार और निचली घाटी एवं मैदानी क्षेत्र ठीक है दोस्तों अब इसमें जो पाठ क्षेत्र है इसको एक चीज और नाम है इसको पश्चिमी पठार भी बोलते हैं कितने लोगों को पता था यह बात बताइए पाठ क्षेत्र को पश्चिमी पठार भी कहा जाता है ठीक है पाठ क्षेत्र जो है इसको पश्चिमी पठार भी कहा जाता है दूसरी चीज रांची का जो पठार है ना वो सबसे बड़ा भूभाग है ठीक है दोस्तों ये बात आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि सबसे बड़ा पठारी भूभाग अगर पूछेगा है ना अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा पठारी भूभाग कौन सा है झारखंड का तो सबसे बड़ा पठारी भूभाग जो है वो कौन सा है रांची का पठार है ठीक है हजारीबाग का पठार के बारे में बात आपको अगर करेंगे तो यहां पर भी एक दो बातें याद रखिएगा कि हजारीबाग का पठार दो भागों में डिवाइड है एक है आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार ऊपरी हजारीबाग का पठार और दूसरा है निचली हजारीबाग का पठार निचली हजारीबाग का पठार समझ रहे हैं ना आप लोग ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचली हजारीबाग का पठार ये दो भागों में डिवाइड है आपको ये बता दें कि ऊपरी हजारीबाग का पठार दक्षिण में है और निचली हजारीबाग का पठार उत्तर में है क्लियर है मैप में ये सब चीज समझना जरूरी है आप लोग को याद रखिएगा हजारीबाग का पठार दो भागों में डिवाइड है ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचली हजारीबाग का पठार ऊपरी हजारीबाग का पठार दक्षिण में है और निचली हजारीबाग का पठार उत्तर में है अब ये ऊपरी और निचली में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पारसनाथ का पा, पठार है ठीक है जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो किस में स्थित है जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग पारसनाथ की पहाड़ी किस में स्थित है जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए चलिए जल्दी से जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्त बहुत बढ़िया यानी जो निचली हजारीबाग का पठार है इसी में अच्छा निचली हजारीबाग का पठार जो है ना ये बाह्य है ये बाह्य पठार है ठीक है इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा निचली हजारीबाग का पठार जो है वो बाह्य पठार है दोस्तों बाहरी पठार है इसलिए नीचा है लेकिन ये नीचा होने के बावजूद भी पूरे झारखंड का जो सबसे ऊंची चोटी है सबसे ऊंचा चोटी जो पारसनाथ का जो पर्वत का चोटी है वो निचले हजारीबाग के पठार में स्थित है ठीक है हालांकि निचले हजारीबाग से के पठार से ऊंचा भूभाग ऊपरी हजारीबाग का पठार है लेकिन फिर भी निचले हजारीबाग के पठार में सबसे ऊंचा पठार सबसे ऊंचा जो चोटी है वो स्थित है इन सब बातों को कंसेप्चुअली आप लोग याद रखिएगा ठीक है पाठ क्षेत्र को पश्चिमी पठार भी बोलते हैं रांची का पठार झारखंड के पठारी भागों में सबसे बड़ा पठारी भूभाग है ठीक है रांची का पठार सबसे बड़ा पठारी भूभाग है लेकिन पूछेगा कि झारखंड के धरातलीय स्वरूप में सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है तो सबसे ऊंचा भूभाग पाठ क्षेत्र है सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है दोस्त क्षेत्र सबसे ऊंचा भूभाग है लेकिन सबसे बड़ा पठारी भूभाग पूछेगा तो तो सबसे बड़ा पठारी भूभाग जो है वो रांची रांची का का पठार पठार है 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 दोस्तों है ना सबसे बड़ा कौन सा है? तो का पठार है। इन सारे बातों को इन सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते जाइएगा रिवीजन भी करते जाइएगा बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निम्न में से पाठ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है बताइए जल्दी से पाठ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी अरे भाई ये पारसनाथ तो पाठ क्षेत्र में आता ही नहीं है ये किस में आता है दोस्त तो निचली हजारीबाग के पठार में आता है किस में आता है निचले हजारीबाग के पठार में ही आता है ठीक है ना अब रही बात सबसे ऊंचा यहां पाट क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है ना दोस्त तो हार्ट पार्ट बताए थे अभी कितना कितना बताए थे 1180 मीटर कितना बताए थे 1180 मीटर बताए थे बताए थे कि नहीं बहुत बढ़िया उसके बाद गणेशपुर पार्ट दूसरे नंबर पर था क्या बताए थे आप लोग को अभी गणेशपुर पार्ट के बारे में बताओ जल्दी से गणेशपुर पार्ट ग्यारह मीटर क्या बताए थे याद हो गया ना सबको ग्यारह मीटर ठीक है और जनीरा पाट क्या बोले थे दोस्तों तो जनीरा पाट ग्यारह बयालीस मीटर ये सभी याद रखिएगा जबकि ये पारसनाथ का पठार सबसे ऊंचा पठार झारखंड का निचली हजारीबाग के का है इसका जो है ऊंचाई सबसे ऊंचा पठार का वो कितना है तेरह मीटर है कितना है तेरह मीटर है आई बात समझ में सबको ठीक है समझ में आ रहा है ना मजा आ रहा है ना आप लोग को एक बार थम्स अप कर दीजिए चीजों को अगर ये प्रोसेस ये तरीका पसंद आ रहा है कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दे रहा हूं ये अगर आपको तरीका पसंद आ रहा है तो आप लोग एक बार थम्स अप करके बता दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग लोगफाइड है इसी तरीके से मैं बताता चलूंगा तो पूरा भूगोल रिवाइज हो जाएगा पूरा झारखंड का भूगोल जो है ना रिवाइज हो जाएगा आज के सेशन में ठीक है आप लोग थम्सअप कर दीजिए एक बार और लाइक बटन दबाना एकदम मत भूलिएगा ना एकदम मत भूलिएगा लाइक बटन दबाना वही हम लोग को इतना मोटिवेट करता है <coughs> सॉरी चलिए आगे बढ़ते हैं यह रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन हजारीबाग के पठार को दो भागों में विभाजित किया जाता है ऊपरी हजारीबाग का पठार तथा तो निचला हजारीबाग का पठार ये दोनों पठार किस नदी के कटाव के कारण अलग हो गए हैं बताइए जल्दी से बता दीजिए जल्दी से बीच से एक नदी गुजरी है, है ना और उस नदी के कटाव के कारण ये जो भूभाग है वो अलग हो गए हैं दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया आंसर सबका आ गया है बिल्कुल सही चलो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट right आंसर दामोदर नदी है ठीक है कौन सी नदी है दामोदर नदी है और दामोदर नदी का उद्गम आप लोग तो जानते ही हैं कहां से लातेहार के टोरी से लातेहार के टोरी से उद्गम होता है और मुहाना कहां बनाता है दोस्त बताओ दामोदर नदी मुहाना में बनाता है दोस्त तो हुगली में बनाता है कहां बनाता है हुगली बनाता है। इस नदी को और क्या बोलते हैं देव नदी भी बोलते हैं है ना अभी नदी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें और डिस्क्राइब कर देंगे नदी को सब एक एक नदी को डिटेल में बता देंगे ठीक ना चलिए वेरी गुड तो ये जो दामोदर नदी है ना वो निचले हजारीबाग का पठार और ऊपरी हजारीबाग के पठार के भूभाग को अलग कर देता है निचला हजारीबाग का पठार जो बाह्य भूभाग है वो आपका उत्तर में है और जो दक्षिणी पार्ट में है वो उत्तरी उत्तरी हजारीबाग का पठार है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है अभी हम बता दिए इसमें ज्यादा वक्त नहीं लेंगे ये क्वेश्चन का पूरा जब हम डिस्क्राइब कर रहे थे धरातलीय स्वरूप को तो उसी में क्लियर हो गया था कि पारसनाथ की पहाड़ी जो है निचली हजारीबाग के पठार में स्थित है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट अगला सवाल है राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है बताइए राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है फटाफट आंसर कीजिए नए जो जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम चीजें जानकारी मिलती रहेगी कब कौन सी मैराथन क्लास है है ना चलिए फटाफट जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सब लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी गुड आंसर बिल्कुल सही आ गया है आप लोगों का सवाल है दोस्तों राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहते हैं तो राजमहल की जो नुकीली पहाड़ियां हैं उनको क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से आंसर आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए फिर बहुत सारी चीजें मैं लाया हूं मटेरियल आप लोग को बताने के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें है ना चलिए क्या होगा इसका आंसर होगा टोंगरी क्या होगा राजमहल की जो नुकीली पहाड़ियां इस प्रकार की है इसको टोंगरी कहा जाता है क्या कहते हैं इसको टोंगरी कहे कहते हैं दोस्तों निचली नदी घाटी और जो मैदानी क्षेत्र है वहां कहीं कहीं क्या है कि छोटी पहाड़ियां मिलती है छोटी ही है लेकिन नुकीली पहाड़ियां हैं जिसको क्या बोलते हैं टोंगरी कहते हैं जबकि जो गुंबदनुमा नुमा पहाड़ियां हैं इसको डोंगरी कहते हैं ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। टोंगरी जो नुकीली है उसको टोंगरी और जो गुंबद नुमा पहाड़ियां हैं उसको डोंगरी कहते हैं ये दोनों बातें आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा ठीक है क्लियर है दोस्तों ये दोनों चीजें राहुल महतो स्पीड नहीं चल सकते सबको लेके चलना पड़ता है ठीक है स्पीड स्पीड आप हमें स्पीड नहीं कर सकते आप हमें बोल करके स्पीड नहीं कर सकते हम चीजों को डिस्क्राइब करते हुए स्थिरता के साथ सांस लेने का भी टाइम चाहिए और स्पीड में क्या होता है ना चीजें बहुत सारी चीजें छूट जाती है ठीक है तो आप अपने तरीके से हमें पढ़वाने का प्रयास मत कीजिए हमें अपने तरीके से पढ़ाने दीजिए तो मैं अपना हंड्रेड परसेंट दे पाऊंगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है राजमहल की गुंबद नुमा पहाड़िया अभी हम बता दिए पिछले सवाल में राजमहल की गुंबद नुमा पहाड़िया क्या क्या कहलाती है डोंगरी कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों डोंगरी कहलाती है ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन चाईबासा का मैदान झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप का हिस्सा है अभी हम थोड़ी देर पहले झारखंड का धरातलीय स्वरूप बता रहे थे ना उसमें आप लोग को क्या बताए थे कि झारखंड के धरातलीय स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है चार भागों में एक है पाठ क्षेत्र दूसरा है रांची का पठार तीसरा है हजारीबाग का पठार और चौथा है निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र ठीक है निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र तो आप लोग बताइए कि जो चायबासा का मैदान है वो किस में आएगा चायबासा का मैदान जो है वो किस में आएगा ये आप लोग को कमेंट करना है तो निश्चित समझ गए होंगे आप लोग चायबाशा का मैदान निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है जो चार भूभाग झारखंड में पाए जाते हैं उसमें का मैदान किस में आता है निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। Next question, अगला सवाल है झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है निम्न में से कौन सी है झारखंड में से जितनी भी नदियां हैं ना दोस्तों गंगा को छोड़कर है ना सभी बरसाती नदियां बरसात में ही पानी रहेगा उसमें बाकी दिनों में पानी नहीं रहता है, है ना देखो पीडीएफ एमसीक्यू क्लास में मैप नहीं दिखाते हैं नहीं दिखा सकते पॉसिबल नहीं है चीजें है ना जो एप्लीकेशन में जो क्लास है तो उसमें हम लोग मैपिंग के जरिए चीजों को बताते हैं थ्योरी वाला क्लास में तो झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नहीं है इस ऑप्शन को अगर आप देखिएगा तो आप लोग जानते हैं कि सोन नदी बरसाती नदी नहीं है है ना सोन नदी की बात अगर हम करें तो इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है वहां से इसका उद्गम होता है ठीक है इसका मुहाना जो है वो किसमें है गंगा नदी में है ना गंगा नदी मुहाना है आपसे पूछेगा कि सोन नदी का झारखंड में प्रवेश कहां पर होता है तो झारखंड में अगर इसके प्रवेश की बात करें तो झारखंड में प्रवेश गढ़वा में होता है ठीक है सोन नदी का झारखंड में प्रवेश कहां से होता है दोस्तों गढ़वा जिले में सोन नदी का झारखंड में प्रवेश होता है और वो गढ़वा जिले के पश्चिमी सीमा को बनाती हुई पलामू के उत्तरी सीमा को बिहार से अलग करती है इस प्रकार से सोन नदी के बारे में चीजें आपको याद रखनी है ठीक है जी बहुत बढ़िया सबसे पहले गढ़वा में प्रवेश करती है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पटना मनेर में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है ठीक है अगला सवाल आप सभी के लिए ये रहा सोन नदी झारखंड के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है बता दिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं नेक्स्ट है सोन नदी का मुहाना कहां पर है भाई तो सोन नदी का मुहाना जो है वो गंगा नदी में है यानी कि सोन नदी गंगा की क्या है सहायक नदी है ठीक है सोन नदी गंगा की क्या है दोस्तों सहायक नदी है ठीक क्लियर है सबका वेरी गुड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला है सोन नदी का अपवाह क्षेत्र सोन नदी यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया सोन नदी का अपवाद क्षेत्र पूछेगा अगर आपको तो आपको बस इतना याद रखना है कि झारखंड में सोन नदी जो है वो कहाँ कहां बहती है यही बस पूछेगा आपसे पूछ रहा हूं मैं आपसे है ना कि सोन नदी का अपवाद क्षेत्र तो केवल और केवल दो ही जिला है गढ़वा में प्रवेश करता है पलामू में भी प्रवेश करता है है ना पलामू से होते हुए फिर बिहार में बहती है यह नदी तो पलामू और गढ़वा ही दो जिला है जहां पर सोन नदी का बहाव क्षेत्र है प्रवाह क्षेत्र है ठीक है सबका क्लियर हो गया अगला देखिए निम्न नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जिसका संबंध झारखंड में केवल क्या से है झारखंड में केवल उद्गम से है, है ना झारखंड में किस लिए बस जा, बस जाने जाता है केवल उद्गम झारखंड में होता है और कुछ नहीं होता है ठीक है केवल उदगम तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदी फलगू नदी ठीक है कौन सी नदी फलगू नदी जो कहां से निकलती है छोटा नागपुर के पठार के पठार के उत्तरी भाग से निकलती है और सीधा बिहार में प्रवेश कर जाती है, है ना सीधा बिहार में प्रवेश कर जाती है यह भी गंगा में जाकर के मिलने वाली नदी है ठीक है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि यह जो नदी है ना इसका संबंध केवल झारखंड में उद्गम से माना जाता है और कुछ नहीं माना जाता ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है झारखंड की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है रेखा, दामोदर बराकर या उत्तरी कोयल आप सभी जानते हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है दोस्तों बताइए जल्दी 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 अली बताइए सारा नदी भी रिवाइज करना है फिर जल प्रपात रिवाइज करना है फिर गर्म जलपूर्ण रिवाइज करना है बहुत कुछ रिवाइज करना है नहीं सी एन टी एसपीटी में बस शुरू सुरु शुरू का बेसिक चीज याद रखिएगा जो हम मैराथन क्लास करवा रहे हैं वो अभी जेससी में जितना भी परीक्षा होने वाला है सबके लिए एकदम समझिए रामबान साबित होगा डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन्हीं सब सेशन से। इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इन सब क्लास को ठीक है कौन सा होगा दामोदर नदी हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी की कुल लंबाई आप लोग कमेंट कीजिए दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों कमेंट कीजिए फटाफट दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है फटाफट कमेंट कर दीजिए सारे लोग पीडीएफ भी इसका हम दे देंगे करियर फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है रिवीजन करने के लिए पीडीएफ मिल जाएगा अलगू नदी पे वफा है चलिए बहुत बढ़िया अरे भाई टोटल लंबाई पूछ रहे हैं टोटल लंबाई पूछ रहे हैं दोस्त पांच सौ बानवे पांच बानबे बहुत बढ़िया है ना पांच सौ बानबे किलोमीटर बिल्कुल ठीक है दामोदर हो गया अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है चलो इस नदी को बढ़िया पढ़, से पढ़ लो बहुत पूछता है झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कौन सी आप सभी जानते हैं कौन सी है आपकी स्वर्ण रेखा नदी स्वर्ण रेखा की बात अगर हम करें तो इसका उद्गम रांची के नगड़ी से होता है ठीक है उदगम और बहती हुई सीधे कहां बहती है भाई तो बंगाल की खाड़ी में ठीक है इस स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो आप जानते होंगे खरकाई है, है कि नहीं खरकाई उसके अलावा आपका कांची नदी है उसके अलावा आपका राढ़ू नदी है है ना खरकाई हो गया कांची हो गया राढ़ू हो गया ये सभी स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं क्लियर है सबका हुँ? इसी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियों में आप जानते हैं खरकाई हो गया कांची हो गया राढू हो गया हुंडरू फॉल पूछता है हुंडरू फॉल ना केवल झारखंड में पॉपुलर है हुडरू फॉल पूरे देश में पॉपुलर है है ना और भी जो दोस्तों स्वर्णरेखा नदी से ही बनती है भी इसी स्वर्णरेखा नदी से बनती है दोस्तों और इस स्वर्णरेखा नदी से जो पानी होता है है ना टाटा कंपनी जब खुली थी ना टाटा कंपनी तो, तो उस वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही खुली थी क्योंकि उसको पानी की जरूरत थी और टाटा कंपनी को पान जल की प्राप्ति स्वर्णरेखा नदी से ही होती है ठीक है टाटा कंपनी को जल की प्राप्ति स्वर्णरेखा नदी से ही होती है ये सारी बातें आप लोग को याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं इस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से है इसकी सहायक नदियां गुमरो एवं एरो है ना इसको ध्यान रखिएगा गुमरो और एरो किसकी सहायक नदियां हैं और इसकी मुहाना गंगा नदी में है किस नदी के बारे में बोल रहा है अब आप लोग मुझे बताइए कि दुधवा पहाड़ी दुधवा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है है ना दुधवा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है ये बताना है आप लोगों को और दुधवा पहाड़ी कहां पर स्थित है चलिए मुहाना गंगा में है दोस्तों इस दुधवा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है ठीक है दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है और ये कहा मिलती है गंगा में मिलती है यानी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां आपको याद रखना है क्वेश्चन पूछेगा आपको तो भूलना नहीं है गुमरो एवं एरो गुमलो एवं गुमरो एवं एरो ये किसकी सहायक नदियां हैं ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां हैं है ना ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां गुमरो एवं एरो ठीक है याद रहेगा सबको चलिए वेरी गुड इसी तरह से आपको याद रखना है, है ना आपने बताया नहीं कि ये जो दुधवा पहाड़ी है कहां पर एक बार मुझे कमेंट करिए दुधवा पहाड़ी है कहां पर बहुत बढ़िया दुमका में दुधवा पहाड़ी कहां पर है दोस्तों तो दुमका में है है ना और बांस पहाड़ी कहां है ये बताओ बांस पहाड़ी कहां पर स्थित है बता दो जल्दी से दुधवा पहाड़ी तो आपने बता दिया दुमका में है बांस पहाड़ी कहां है और बांस पहाड़ी से भी एक नदी निकलती है है ना बांस पहाड़ी से भी एक नदी निकलती है कमेंट करना है जल्दी जल्दी ये पूरा सेशन हो जाएगा ना दोस्तों दो घंटे लगभग दो घंटे में उसके बाद एक बार आप इसको एनालिसिस कीजिएगा कि देखिएगा ना कि पूरी ज्योग्राफी पूरी झारखंड के भूगोल की बातें सब इसके अंदर मेंशन हो गई है ठीक है एक क्लास में दो घंटे के अंदर मैक्सिमम चीजें रिवाइज हो जाती है एमसीक्यू सेशन का मजा चलिए बांस पहाड़ी गोड्डा में है बिल्कुल सही कहा आपने बांस पहाड़ी कहा है दोस्तों गोड्डा में है और बांस पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है तो बसलोई नदी निकलती है बांस पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है बसलोई नदी बांस पहाड़ी से निकलने वाली नदी है दोस्तों इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया एक बार आप लोग अगर लाइक नहीं किए हैं ना तो देखिए लाइक करना जरूरी है दोस्तों दिल से कनेक्शन बनता है लाइक कीजिए सब लोग सब लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत हम लोग करते हैं आप लोग लाइक बटन भी नहीं दबाएंगे तो हम आप लोग को असंवेदनशील नहीं समझेंगे है ना असंवेदनशील समझेंगे भी नहीं सुनेंगे आप लोग तो इतना तो सुनना ही पड़ेगा ना आप लोग को इस नदी का उद्गम स्रोत राजमहल की पहाड़ी से है सहायक नदी मेरेल तथा मु... मेरेल इसका सहायक नदी है समझे मेरेल बिहार एक और है बता रहे रुकी हाँ, मेरेल ही है मेरेल ठीक है सहायक नदी मेरेल है तथा इसका मुहाना गंगा नदी में तेरा तेरा है अपवाह क्षेत्र तेरह सो कर वर्ग किलोमीटर तो मेरेल किसकी सहायक नदी है कमेंट करिए जल्दी से मेरेल किसकी सहायक नदी है दोस्तों तो मेरेल जो है गुमानी नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम राजमहल राज की पहाड़ी से होता है गुमानी नदी का उद्गम कहाँ से होता है राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी का उद्गम होता है तेरह से तेरह वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है गंगा नदी में जाकर के मोहाना बनाती है और राजमहल की पहाड़ी से उद्गम होने वाली नदी है बाकी मोर नदी आप जानते हैं मोर नदी को मयूराक्षी नदी बोलते हैं जिसका उद्गम त्रिकूट पहाड़ी से होता है नेक्स्ट सवाल उसरी जलप्रपात जो उसरी नदी पर स्थित है झारखंड के किस जिले में है है ना उसरी नदी पर एक जलप्रपात है, जिसको उसरी जलप्रपात कहते हैं ये झारखंड के किस जिले में सबको पता है गिरिडीह जिले में स्थित है है ना और कल मैंने ग्रीडी जिले के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी इसलिए आज के सेशन में हम किसी और जिले को डिस्कस करेंगे ग्रीडी के बारे में ज्यादा डिस्कस आज नहीं करेंगे क्योंकि कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा होगा मात्र चौबीस घंटे में नौ हजार लोगों ने उस क्लास को देख लिया है सोचिए उसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है दोस्तों तो कल वाली क्लास आज वाली क्लास और ऐसे चलने वाली लगभग दस बारह क्लास होगी जो मैराथन होगी इसमें मेरा पूरा प्रयास है पूरा मेहनत करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरे झारखंड को इस दस बारह क्लास के अंदर समाहित कर दू एमसीक्यू के अंदर तो आप लोग इसको देखना मत भूलिएगा सारे क्लास को ठीक है ना तो गिरिडी इसका करेक्ट आंसर होगा उसरी जलप्रपात के बारे में जलप्रपात सब रिवीजन करवा देंगे अभी के अभी है ना अभी के अभी सारे जलप्रपात रिवीजन हो जाएंगे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सेशन में बने रहिए फिर देखिए कितना मजा आता है ठीक है देखिए केला घाघ ठीक है केला घाघ जो है ये जलप्रपात कहां पर है ये आपसे मैं पूछ रहा हूं मुझे एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए केला घाघ जलप्रपात कहां पर स्थित है ये लाल लाल काहे कमेंट कर रहे हैं जी अच्छा कल का टॉपिक पूछ रहे हैं अभी यसे? अभी नहीं बताएंगे क्लास के लास्ट बताएंगे ठीक है अभी हम सोचे भी नहीं है क्या है टॉपिक कल का अभी सोचेंगे फिर लास्ट में बताएंगे फिर कल उसपे काम करेंगे केला घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में सबको पता है सिमडेगा में है केला घाघ सिमडेगा जाइए तो केला खाइए ठीक है केला घाघ जलप्रपात के पास बैठ के है ना सिमडेगा जाइए केला खाइए केला घाक जलप्रपात के पास बैठ के लातेहार में कैठो है सब पता है तो कमेंट कर दीजिए कांति है यहाँ पर कांति जलप्रपात कोई है लातेहार में है कि नहीं बूढ़ा घाघ है यहाँ पर बूढ़ा घाघ भी है ना लोध भी बोलते हैं उसको अपर घगरी लोअर घगरी तो ऐसी याद रहेगा अपर घगरी लोअर घगरी मिर्चैया भी है यहां पर है ना मिर्चैया भी खा लीजिएगा लाते हार जाइएगा तो ठीक है ना चलिए सुगा हाँ हाँ हाँ, एक चीज और बताना भूल गए सुगा काटा घाग, सुगा काटा घाग, एक्चुअली ये दोनों बड़ी आसानी से याद रहेगा कैसे याद रहेगा मैं आपको बता देता हूं जब भी आपसे पूछेगा केला घाग तो केला को काटा याद रखिएगा केला का पेड़ है वहां पर सिमडेगा में वहां सुगा, जाता है और सुगा जो है केला खाता है तो सुगा काटा घाग और केला घाग ये दोनों कहा है दोस्तों ये दोनों के दोनों सिमडेगा में है ठीक है ना ये दोनों के दोनों सिमडेगा में है केला केला और सुगा सुगा जाता है और वहां केला खाता है ठीक है तो सिमडेगा हो गया लातेहार में कांति हो गया बूढ़ा घाघ हो गया घगरी हो गया मिर्चैया हो गया और बताओ लातेहार में कौन कौन सा जल्दी जल्दी कमेंट कर दो ता, ताता पानी तो गर्म जल कुंड है।, है ना ताता पानी जो आप बोल रहे हैं ना शत्रुधन वो गर्म जल कुंड है गर्म जल कुंड को जल प्रपात में मत मिला दीजिए पानी जो है ना गर्म जल कुंड को जल प्रपात में मिला दीजिएगा तो जल प्रपात का पानी भी गर्म हो जाएगा ना <laughs> है कि नहीं चलिए अच्छा गुमला में भी बहुत जल प्रपात है कि नहीं बहुत सारा नहीं है कुछ ही है तो बताइए आप, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कांति तो पता चल गया आप लोग को केला घाक भी पता चल गया आप लोग को ठीक है झंझ है गढ़वा में गुंगा झंझ गुरसेंधु ये सब गढ़वा में चलिए बताइए अच्छा गौतम घाघ भी है ना आपका लातेहार में एक और है गौतम घाघ गौतम घाघ जलप्रपात भी आपको मिलेगा लातेहार में चलिए गुमला वाला बात कर लेते हैं लोहरदगा में घड़घड़िया है ठीक है गुमला में कौन कौन सा है दोस्तों बताइए जल्दी जल्दी गुमला में कौन कौन सा नागफनी है है ना नागफनी जलप्रपात गुमला में मिलेगा आपको और कौन मिलेगा प्रेमा घाग मिल जाएगा है ना प्रेमा घाघ पैरना घाग नागफनी ठीक है कौन कौन सा गुमला में एक प्रेमा प्रेमाघाग प्रेमा घाग, पैरना घाघ पैरना घाघ दोनों एक जैसा नाम है मिस्टेक मत कीजिएगा प्रेमा घाघ पैरना घाघ और नागफनी सुनाई दे रहा मेरी बात कौन कौन सा गुमला में है नागफनी प्रेमा घाघ यहां लिख देते हैं यहां बड़ा बड़ा लिखा जाएगा नागफनी प्रेमा घाघ प्रेम कर लो प्रेमा घाघ से और पैरना घाघ पैरना घाघ ये तीनों कहाँ है गुमला लातेहार वाला क्लियर हो गया कांती बूढ़ा घाघ अपर घगरी लोअर घगरी मिर्चैया गौतम घाघ ये सभी कहा लातेहार ठीक है बहुत बढ़िया हैपाद भी है हाँ हैपद भी है, हैपद भी है सदनी सदनी घाघ भी है चलिए बहुत बढ़िया सदनी घाग भी है हेपाद हेपाद भी है सदनी सदनी घाग सदनी घाग मतलब अच्छा खासा है गुमला के अंदर भी जलप्रपात है ना गुमला में भी आपको बहुत सारा जलप्रपात देखने को मिलता है कल का रिकॉर्ड आप लोग आज नहीं तोड़ रहे हो जैसा कि मैं देख रहा हूं एक बार सब लोग लो लाइक करो दोस्त एक बार सब लोग लाइक बटन को ना कितने लोग सुनते हैं बात इतना हमको देखना है चलिए सदनी गाघ हेपद सब ये सब गुमला जिला का है ठीक है ना दोस्तों क्लियर हो गया ना सबका चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक नेक्स्ट देखो गौतम धारा जलप्रपात के संबंध में सही कथनों की पहचान करें है ना कौन सा कथन सत्य है गौतम घाघ को गौतम सॉरी गौतम धारा गौतम धारा को जोनहा भी बोलते हैं यह रांची जिला में राहु नहीं राहु ठीक है ऊंचाई सत्रह मीटर दिया है इनमें से सभी कथन सत्य है तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है जोनहा जलप्रपात के बारे में ठीक है किसके बारे में जोनहा जलप्रपात के बारे में आपको यहां पर बताना है बिल्कुल गौतम धारा उसी को बोलते हैं सत्रह मीटर है ही भी बात सही है, राढ़ू नदी पर ही भी बात सही है सब सही है ठीक है नेक्स्ट देखो दसम या दशोम जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर है दोस्तों आप जानते होंगे कांची नदी कौन सी नदी कांची नदी अरे यार का है ऐसे होता कांची नदी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है कांची नदी उसी पर दशम जलप्रपात है कहाँ है रांची जिले में ठीक है ना रांची जिले में स्थित है सब जलप्रपात क्लियर हो जाएगा अभी पंचघाक जलप्रपात कहाँ है दोस्तों अभी बताए थे नहीं बताए थे पंचघाक कहां पर है खूंटी में है है ना पंचघाक जलप्रपात कहां है खूंटी जिले में स्थित है सबका क्लियर है हो रहा है ना भाई चलिए बहुत बढ़िया खूटी में है सिमडेगा वाला याद है ना अच्छा ई दोनों कहां है बताइए निंदी और घड़घड़िया घर ई दोनों कहां पर है ई दोनों कहां है जल्दी कमेंट कीजिए निंदी और घड़घड़िया घर कहां पर है ये कमेंट कर दीजिए सबसे ऊंचा बूढ़ा घाघ है 137 मीटर समझे सबसे ऊंचा बूढ़ा घाघ है एक तीन सात एक मीटर बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी गुड चलिए वेरी स्मार्ट वेरी गुड लोहरदगा में कहा है निंदी और घड़घड़िया घर लोहरदगा में है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये है रजरप्पा जलप्रपात के बारे में रामगढ़ जिले में है ना बिल्कुल जानते हैं आप लोग ये दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर इसकी ऊंचाई सत्रह मीटर नहीं है गलत कथन पूछ रहा है सत्रह मीटर नहीं है रजरप्पा जलप्रपात छोटा सा तो है सत्रह मीटर कहां से हो जाएगा रजरप्पा जलप्रपात की ऊंचाई जो है दोस्तों वो मात्र चार मीटर है चार मीटर नॉट सत्रह मीटर ठीक है तो ये भी आप लोग को क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं है सदनी घाट की ऊंचाई 60 मीटर है बूढ़ा घाट के बाद दूसरा नंबर पर हुंडरू है और हुंडरू के बाद सदनी घाघ गुमला वाला है उसके बाद मोती झरा जलप्रपात छियालीस मीटर है ठीक है तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऊंचे ऊंचे जलप्रपात जो है झारखंड में बूढ़ा घाट एक नंबर पर हुंडरू दो नंबर पर चौहत्तर मीटर वाला घाघ एक सौ 137 मीटर वाला एक नंबर पर और तीन नंबर पर सदनी घाघ जो साठ मीटर है नोट कर लीजिए कहीं पर है ना कहीं पर इन बातों को नोट कर लीजिए बूढ़ा घाघ एक सौ सैंतीस मीटर सबसे ऊंचा लातेहार दूसरा नंबर जलप्रपात रांची जो कि चौहत्तर मीटर दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर सदनी घाघ जिसकी ऊंचाई साठ मीटर जो कि कहां है गुमला में सदनी घाघ गुमला में है जो तीन नंबर पर है साठ मीटर ऊंचा है ठीक है ना चलिए बहुत बढ़िया तीनों टॉप रैंक वाला याद रखिएगा चौथा नंबर पर मोती झरा भी याद रखिएगा छियालीस मीटर है चौथे नंबर पर मोती झरा छियालीस मीटर चौथा नंबर भी याद रखना है तो मोती झरा मोती झरा छियालीस मीटर लिख दू क्या लिख दू बूढ़ा घाग बूढ़ा घाग कितना भाई क्या बताए एक सौ सैतीस मीटर एक सौ सैतीस मीटर दूसरे नंबर पर किसको बोले भाई हुडरू हुंडरू कितना 74 मीटर तीसरे नंबर पर सदनी घाग सदनी घाग कितना भाई 60 मीटर कितना 60 मीटर गुमला में ठीक है और चौथे नंबर पर मोती झरा मोती झरा कहा पर है दोस्तों बताइए मोती झरा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है जल्दी कमेंट कीजिए मोती झरा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है जल्दी कमेंट कीजिए चलिए मोती झरा बोल रहे हैं साहेबगंज साहेबगंज बोल रहे हैं मोती झरा बहुत बढ़िया साहेबगंज वेरी गुड मोती झरा जलप्रपात जो है साहेबगंज में है है ना मोती झरा जलप्रपात जो है वो कहां है साहेबगंज में है जिसकी ऊंचाई 46 मीटर है कितना है 46 मीटर है ठीक है चलिए अच्छा और पूछे पूछते बताइए जब जलप्रपात हो ही रहा है तो रिवाइज करवा देते हैं एक क्वेश्चन और मुझे बता दीजिए यहां पर ठकोरा जलप्रपात कहां स्थित है ठकोरा जलप्रपात झारखंड में कहां स्थित है जित कित तो लोग कमेंट करते हैं देखते हैं ठकोरा जलप्रपात झारखंड में कहां स्थित है जल्दी अकोरा जलप्रपात झारखंड में कहाँ स्थित है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए पूछ लिया भाई पूछ ही डालिए अब लिख रहे हैं अभी तक उत्तर नहीं आया है है ना अभी तक उत्तर किसी का अरे गजब ग्रीन जो नाम आ रहा है उनका उत्तर आ रहा है सॉरी ब्लू ब्लू नेम जिनका लिखा हुआ है एक एक साथ में रेंच रखे हुए हैं रेंज, ठीक है, उनका उत्तर आ गया पश्चिमी सिंहभूम वेरी गुड थकोरा जलप्रपात कहां है पश्चिमी सिंहभूम में पश्चिमी सिंहभूम में थकोरा है एक और सवाल आप लोगों के लिए एक और सवाल आप लोगों के लिए यह रहा आपके स्क्रीन पर नहीं आपके सामने मैं बोल रहा हूं सुनना है ठीक है कौन सा सवाल बलचौरा जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है मेरा अपना सवाल है बताइए जल्दी से मेरा सवाल यह है बलचौरा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात बलचौरा बलचौरा जलप्रपात कौन सी नदी पर है दोस्त बता दो जल्दी से और नदी जब बता दोगे तो आप निश्चित ही उसका जिला भी बता दोगे बलचौरा जलप्रपात कौन सी नदी पर है प्रिया पाठक गढ़वा लिख रही हैं। मां का लाडना नहीं पता लिख रहे हैं पूजा कुमारी गढ़वा लिख रहे हैं ठीक है भाई गढ़वा तो ठीक है कौन सा नदी अभी तक नहीं आया है उत्तर बहुत बढ़िया है आ गया उत्तर अरे भाई बलचौरा जलप्रपात है कन्हर नदी पर किस पर कन्हर नदी सब बात हम कॉपी पेन लेके बैठने क्यों बोले हैं आप जो यूट्यूब वाले भीवर हैं उनको कॉपी पर कॉपी पेन लेके बैठने इसीलिए बोले हैं कि सब नोट करते जाना जो नई चीज लग रही आपको नोट करते जाना कन्हर नदी पर है बलचौरा जलप्रपात बल चौरा जलप्रपात कन्हर नदी पर है गढ़वा में चूंकि आप जानते हैं कि कनहर नदी छत्तीसगढ़ से जो नदी आती है वो केवल और केवल झारखंड में गढ़वा में बहती है ठीक है और गढ़वा से ही बह के वापस उत्तर प्रदेश घूम जाती है यूटन ले लेती है, ठीक है तो बलचौरा गढ़वा में है कन्हहर नदी पर स्थित है सभी याद रखना है आप लोगों को अगला सवाल आ गया देखिए सदनी घाघ जलप्रपात के संबंध में सही कथनों की पहचान करें गुमला जिले में है दक्षिणी कोयल नदी पर है इसकी ऊंचाई 40 मीटर है सभी कथन सत्य है है ना हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको सदनी घाघ के बारे में बताए थे ठीक है चलिए तो सदनी घाक के बारे में स्टेटमेंट बताइए इसमें सही कथन पहचानना है तो यहां जो सही कथन है दोस्तों आप लोग को बताना है और यहां से बहुत सारी चीजें आप लोग को सीखने को मिलेगी अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बताए 40 मीटर थोड़ी ना बताए भाई सदनी घाक जो तीसरे नंबर पर है कितना मीटर है 60 मीटर है मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ये क्या दक्षिणी कोयल में है अरे नहीं दक्षिणी कोयल में नहीं है ये संख नदी पर है किस पर है सदनी घाघ संख नदी पर स्थित है किस पर है संख नदी पर है साठ मीटर ऊंचाई है और गुमला में तो है यानी केवल यही स्टेटमेंट सही था बाकी को सही करना पड़ा ठीक है जो सही है वो तो सही है जो गलत है उसको सही कर दिए हैं मतलब याद रखिएगा गुमला जिले में सदनी घाघ जलप्रपात है या दक्षिणी कोयल पर नहीं है ये संख नदी पर है है ना सदनी घाघ संख पर है इसकी ऊंचाई कितनी है चालीस नहीं है कितना है साठ मीटर है जो झारखंड का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है है ना झारखंड का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है समझ में आया सारी बातें वेरी गुड चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल हिरनी जलप्रपात कौन सा जिला में है कल भी बताए थे क्वेश्चन है ना हिरनी के बारे में कल भी बताए थे हिरनी कहां है हिरनी जलप्रपात चक्करधरपुर में है और चकरधरपुर कहां मिलेगा आपको बताइए हिरनी जलप्रपात जो है वो चक्रधरपुर में है और चक्रधरपुर कहाँ है दोस्त बताओ अरे भाई पश्चिमी सिंहभूम में है चक्रधरपुर ठीक है चक्रधरपुर कहाँ है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और यहीं पर हिरनी जलप्रपात भी है ये सारी बातें ध्यान रखते जाना दोस्त ठीक है ना वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर यह रहा हुंडरू जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है रांची जिला में है जानते होंगे आप लोग स्वर्ण रेखा नदी पर ही भी जानते होंगे आप लोग ऊंचाई चौहत्तर मीटर भाई सभी रिवाज हो चुका है अब आपको आसान लगेगा ये भी सही ये भी सही ये भी सही ठीक है ना चौहत्तर मीटर ऊंचाई हो गया क्योंकि आपको शुरू से लेकर के चार बता दिए सबसे ऊंचा जलप्रपात बात याद है कि नहीं आप लोग को चार सबसे ऊंचा जलप्रपात वाला क्लियर हो गया है ना आप लोगों का बुढ़ा घाघ एक मीटर हुंडरू चौहत्तर मीटर सदनी घाघ साठ मीटर और मोती झरा छियालीस मीटर ये सबसे ऊंचे ऊंचे जलप्रपात हैं झारखंड के ठीक है ना साथियों चलिए बहुत बढ़िया आगे देखते हैं अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर झारखंड राज गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया यहां से दो तीन सवाल मैं आपसे पूछूंगा यहां से भी आपका झारखंड भूगोल जो पूरा रिवीजन चल रहा है इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड राज गंगा नदी प्राधिकरण इसका अगर आपको मुख्यालय पूछ दे कभी एग्जाम में है ना इसका मुख्यालय पूछ दे तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहां है रांची में है है ना झारखंड राज गंगा नदी प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है रांची में है अगर इसका आपको अध्यक्ष पूछ दे क्या पूछ दे अध्यक्ष पूछ दे तो सीएम साहब पदेन अध्यक्ष होते हैं है ना मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों अब पूछा क्या गंगा नदी प्राधिकरण का गठन कब किया गया था झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन कब किया गया था यह पूछा है आपसे तो बता दें जरा जल्दी से जल्दी चलिए 20 फरवरी 2009 जिनका भी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर है 20 फरवरी 2009 ठीक है 20 फरवरी 2009 और अध्यक्ष कौन होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं मुख्यालय कहाँ है रांची में है है ना सारी बातें बता दे रहे हैं अच्छा एक सवाल और मैं आपसे पूछ लू आप लोग कितना लोग जवाब देते हैं कमेंट मैं देख रहा हूं इसलिए आप लोग को जवाब मेरे ये पे देना है मैं लिखूंगा नहीं मैं उधर नहीं देखूंगा मैं कमेंट देख रहा हूं मुझे बताइए कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा मैं देखना चाहूंगा उनका नाम क्या है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है अभी तक उत्तर नहीं आया है सही गलत ही आया है गलत गलत देखो एक उत्तर मुझे सही अभी सबसे पहले जो दिखा है वो किसका दिखा है अमिता कोटका का दिखा है अमिता कोटका के बाद सचिन कुमार ने सही उत्तर दिया है अमिता कोटका और सचिन कुमार ने सही उत्तर दिया है पांच हो सकता है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों पांच हो सकती है ठीक है ना पांच याद रखना सात गलत है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का अध्यक्ष बता दिए इसलिए स्किप करेंगे क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन में डिस्कस कर दिए झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय बता दिए कहां बताए रांची इसको भी स्किप करेंगे अगला क्वेश्चन झारखंड राज्य की जलवायु कैसी है बता दिए उस मानसूनी प्रकार की इसको भी स्किप करेंगे अगला सवाल देखो झारखंड में किस महीने में नर्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझा युक्त वर्षा होती जिसे आम्र वर्षा कहते हैं तड़ित झंझा युक्त वर्षा मतलब गरज मलक के साथ है ना तिगड़ तिगड़ गरज मलक के साथ वर्षा होती है तड़ित झंझा युक्त वर्षा होती है नर्वेस्टर के प्रभाव के कारण वो कौन से महीने में होती है ये पूछा जा रहा आपसे जल्दी से कमेंट कीजिए उसको आम्र वर्षा बोलते हैं क्या बोलते हैं वर्षा मतलब आम मंजर करने लगता है आम मंजर करने लगता है उसके बाद आम फलने लगता है क्या होगा मई महीना में है ना झारखंड में मई महीना में नार्वेस्टर के प्रभाव से झंझायुक्त वर्षा होती है जिसको आम्र वर्षा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा याद रखिएगा। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के किस भाग में निम्न वायु दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है ठीक है किस भाग में झारग्र झारखंड के पठार के किस भाग में ऐसा होता है दोस्तों ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है तो फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए <coughs> जल्दी 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 कीजिए खत्म करेंगे 11 बजे तक ये सेशन को हमें 11 बज 11 11 दस तक खत्म करना है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा है ना कौन सा भाग हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए वेरी गुड नेक्स्ट महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश की विशेषता यहां पर आपसे पूछा गया है ठीक है देखिए इसका अतिरिक्त स्वभाव का होना जो जाड़े के मौसम में अत्यधिक जाड़ा और गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी इसमें कुल औसत वार्षिक वर्षा दक्षिण भाग में एक सेंटीमीटर और दक्षिण पूर्वी भाग में एक सेंटीमीटर से कम प्राप्त होता है है ना तो महाद्वीपीय प्रकार की जहां भी जलवायु मिलती है वहां यह सारी विशेषता देखने को मिलती है इससे डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल देखिए निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करना है नेतरहाट का पठार झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है नेतरहाट के पठार में 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इनमें से सभी ठीक है बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों को इसका उत्तर देना है काफी कुछ चीजें यहां पर भी सीखने को आपको मिल रही है अरे भाई प्लेलिस्ट बना देंगे अमर कुमार बना देंगे बना देंगे मैराथन का प्ले बना रहेगा बड़े बड़े क्लास उसमें रहेंगे केवल है ना वेरी गुड चलिए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपने बता दिया सरकारी जवाब जरूर दें क्या बोल रहे हैं इनमें से सभी क्या इनमें से सभी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी लातेहार दक्षिणी चतरा दक्षिणी हजारीबाग बोकारो धनबाद जामताड़ा दक्षिणी पश्चिम दुमका में है किस जलवायु प्रदेश की बात हो रही है भाई बताइए इस जलवायु इस क्षेत्र में जिस क्षेत्र की यहां पर चर्चा हो रही है वो कौन सा जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र है बताइए ये जो है उप महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु पाया जाता है इन सब क्षेत्रों में दक्षिणी चतरा हो गया पूर्वी लातेहार हो गया दक्षिणी हजारीबाग हो गया बोकारो धनबाद जामताड़ा दक्षिणी पश्चिम दुमका में उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है सरकारी योजना है सर ये सभी बात ऑप्शन में सरकारी ऑप्शन है क्या बोल रहे हैं जी आ, आचिंत कुमार चक्रवर्ती डिस्टर्ब ना करें आपको ज्यादा हंसी आ रही है तो हंस लीजिएगा बाद में ठीक है ना डिस्टर्ब ना करें। नेक्स्ट निम्न जलवायु प्रदेशों में से किसमें तापमान में अपेक्षाकृत कमी और वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता के कारण से एक पृथक प्रकार का दर्जा दिया गया है ठीक है चलिए जलवायु की बात कर रहे हैं है, तो थोड़ा सा आप सभी को एक सवाल पूछ लेते हैं ठीक है पूछ लें आप लोग कहिएगा तो पूछ लेंगे टेम्परेचर की बात करते हैं क्या आप लोग जानते हैं अगर मैं आपसे पूछू झारखंड में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला तीन शहर बताइए तीन टॉप ऊपर से नीचे तो क्या आप लोग बता पाइएगा जल्दी से बताइए झारखंड में टेम्परेचर टेम्परेचर सबसे ज्यादा कौन कौन सा शहर में होता है उसको आपको बताना है बता पाइएगा तो बताइए जल्दी से एक नंबर पर किसको रखेंगे दो नंबर पर किसको रखेंगे और तीन नंबर पर किसको रखेंगे टेम्परेचर में इं? एक नंबर पर है जमशेदपुर है ना दो नंबर पर कौन सा है धनबाद दो नंबर पर कौन सा है धनबाद तीन नंबर पर कौन सा है मेदनी नगर कौन सा है मेदिनी नगर जमशेदपुर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर देखा गया 45 डिग्री देखा गया है कितना 45 डिग्री धनबाद में जो देखा गया 44.6 दशमलव छ देखा गया है कितना 44.6 दशमलव छ और मेदनी नगर में चौवालीस दशमलव पांच ठीक है तो ये टेम्परेचर की दृष्टि से अगर हम टॉप तीन शहरों की बात झारखंड में करें तो जमशेदपुर धनबाद मेदनी नगर आएगा हालांकि रांची भी इसमें कम नहीं है रांची भी इसमें इकतालीस दशमलव जीरो प्रतिशत के साथ रांची शहर का भी टेम्परेचर आपको ध्यान रखना चाहिए झारखंड का अधिकतम तापमान पैंतालीस डिग्री सी देखा गया है मैक्सिमम जो कि जमशेदपुर का है ठीक है क्लियर है नेक्स्ट इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावा जिला पश्चिमी ये तो आप लोग बहुत ही आसानी से बता दीजिएगा मुझे ऐसा लगता है है ना लगता है मुझे ये आप लोग आसानी से बता दीजिएगा पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम लिखा हुआ है तो कौन सा जलवायु पाए पाया जाएगा भाई उधर जाइएगा ना दोस्तों उड़ीसा मिलेगा उड़ीसा में सागर है समुन्दर है ठीक है पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावा जिला लिखा हुआ है तो उधर थोड़ा सा सागर का प्रभाव है ठीक है तो यहाँ जो जलवायु पाई जाती है वो सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु पाई जाती है कैसी सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों ठीक है तो ध्यान रखिएगा सब लोग ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि सिंहभूम से थोड़ा सागर नजदीक पड़ता है उड़ीसा वाला सागर है कि नहीं सिंह से नजदीक पड़ता है ना नेक्स्ट सवाल अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से क्षेत्र में आता है इसलिए क्षेत्र में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से होने वाली मौसमी घटनाएं होती रहती है ठीक है किस जलवायु प्रदेश में ऐसा होता है ठीक है किस जलवायु प्रदेश में तो निश्चित ही इसका भी आंसर वही होगा दोस्तों क्या होगा सागर प्रभावित प्रकार होगा बिल्कुल सागर प्रभावित प्रकार जो क्षेत्र होता है जिसमें पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावा पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में आता है जलवायु क्षेत्र नार्वेस्टर से प्रभावित क्षेत्र आता है इसलिए इस क्षेत्र में नार्वेस्टर से प्रभाव से मौसमी घटनाएं होती रहती है ठीक है तो सागर प्रभावित प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए झारखंड की कौन सी जलवायु झारखंड की कौन सी जलवायु प्रदेश ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाली जलवायु क्षेत्र है है ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु क्षेत्र है आप लोग ना एक बार लाइक जरूर दबाइएगा तो करीब सात सौ से ज्यादा लाइक हो गए थे मगर आज जो है मात्र पांच सौ छप्पन है तो आपसे निवेदन है रिक्वेस्ट है एक बार सब लोग लाइक बटन को दबा दीजिएगा आप लोग जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं अभी तक है ना रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से आपके लिए मेहनत भी मैं ही कर रहा हूं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं मेहनत भी कर रहा हूं और आपको लाइक करने भी रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं तो रिक्वेस्ट को मान लेना चाहिए दोस्तों ठीक है तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए क्या होगा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु बिल्कुल वही होगा सागर प्रभावित जलवायु ठीक है सागर प्रभावित प्रकार इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अधिक वर्षा का होना अधिक बादलों का आना ग्रीष्म में शीतल बना रहना और शीत ऋतु में शीतलम बना रहना शीलतम बना रहना ठीक है शीत ऋतु में तापमान हिमांक से भी नीचे चलाना मतलब ठंडा का दिन आया ना तो एकदम जीरो से भी नीचे चल जाना ये किस प्रकार के जलवायु की विशेषता है अधिक वर्षा होना अधिक बादल बनना ग्रीष्म में भी शीतल बना रहना मतलब गर्मी में भी गर्मी नहीं लगेगा समझे ये जो जलवायु है उसको शीत वर्षा प्रकार जलवायु कहते हैं क्या कहते हैं शीत वर्षा प्रकार की जलवायु इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों जो कि इसमें अधिक वर्षा होती है अधिक बादल भी बनते हैं ग्रीष्म में शीतल बना रहता है और शीत ऋतु में शीतलम बना रहता है है ना शीतलम हो जाना शीत ऋतु में तापमान जो है ना जीरो से नीचे चला जाता है ये शीत वर्षा प्रकार की जलवायु कहलाती है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से देखें तो झारखंड में अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो लोग इस क्लास में बाद में जुड़े हैं शुरू से जरूर देखिएगा पूरा मिट्टी चैप्टर रिवाइज भी करवा दिए हैं ठीक है थीके? पूरा मिट्टी चैप्टर पांच मिनट में रिवाइज करवा दिए हैं पूरा झारखंड का धरातलीय स्वरूप रिवाइज करवा दिए हैं सेशन में पूरा नदी रिवाइज करा दिए हैं, पूरा जल, जल है। कर है? दोस्तों ठीक है और सेशन में अंत तक बने रहिएगा तो बाकी बच्चे पूरा झारखंड का भूगोल रिविजन हो जाएगा चलिए हो गया नेक्स्ट बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिराते हैं अगला सवाल है साथियों निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है तो आपको प्रकार का मिट्टी बताए ना लाल काली और कौन सा रेतीली भी पाई जाती है झारखंड में रेतीली मिट्टी पाई जाती है और कौन सा पाई जाती है दोस्त बताओ तीन चार हो गया दो पाई जाती है एक अभरक मूलक पाई जाती है अभरक मूलक है ना मूलक और क्या पाई जाती है तो एक पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी कौन सी जलोढ़ मिट्टी यहां कौन नहीं पाई जाती वन मूलक मिट्टी नहीं पाई जाती झारखंड में वन मूलक मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है अगला सवाल देखिए राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान हम बता दिए थे शुरू में ही आर्कियन ग्रेनाइट धरवाड़ प्रक्रम की चट्टाने सबसे प्राचीन है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको पैतृक चट्टान भी बोला जाता है क्या बोलते हैं पैतृक चट्टान बोलते हैं अगला देखिए झारखंड में किस प्रकार की जलवायु भी क्वेश्चन उसने कटिबंद मानसूनी याद हो गया आप लोग को जरा भी दिक्कत नहीं है निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों को बलुआ पत्थर चूना पत्थर पाया जाता है तो बलुआ पत्थर चूना पत्थर जो चीज चट्टान में पाया जाता है ये चट्टान पाया जाता है गढ़वा में

चूना पत्थर ये सब पाया जाता है ध्यान रखिएगा सब ठीक है अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोग को अगर सबसे ऊंचा भूभाग बोलेगा क्या बोलेगा सबसे ऊंचा पठारी भूभाग बोलेगा पठारी भूभाग बोलेगा तो उसमें पाठ क्षेत्र आता है।, है ना पाट क्षेत्र आंसर होगा लेकिन अगर बोलेगा सबसे बड़ा पठारी भाग तो सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार है सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है दोस्तों रांची का पठार दोनों बातें मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं बार बार क्योंकि कंफ्यूज कर जाइएगा बहुत लोग पाट क्षेत्र सीधा मार देंगे सबसे ऊंचा पठारी भूभाग बोलता है तो पाट क्षेत्र होता है लेकिन सबसे बड़ा पठारी भाग जो है वो रांची का पठार है दोस्तों जो कि पाट क्षेत्र से भी बड़ा है ठीक है ना पूरा रांची जो है ना <laughs> पूरा रांची जो है ना पठार पर स्थित है पठारी क्षेत्र है ठीक है ना नेक्स्ट थकोरा जलप्रपात मैंने पूछ लिया था जब जलप्रपात रिवीजन करवा रहा था तो मैंने आपसे पूछ लिया था आप लोग बता भी दिए थे कि थकोरा जलप्रपात जो है दोस्तों वो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और पश्चिमी सिंहभूम में और भी जलप्रपात है जैसे हिरनी का आप लोग नाम सुन रखे होंगे किसका हिरनी हिरनी का नाम आप लोग सुन रखे होंगे हिरनी भी यहीं पर है थकोरा भी आपको पश्चिमी सिंहभूम में ही मिल जाएगा है कि नी? बहुत बढ़िया दोस्त ई बता दो कितने लोगों को पता है बहुत आसान बहुत आसान इसका ऑप्शन मत लिखिएगा इसका डायरेक्ट आंसर लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट आंसर लिखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों ठीक <laughs> है ठीक है ठीक है क्या होगा हजारीबाग बोकारो जलप्रपात कहाँ है दोस्तों हजारी बाग में है बोकारो जलप्रपात कहाँ है हजारी बाग में है ठीक है याद रहेगा ना चलिए ठीक है आप तो रहेगा ही कौन सी मिट्टी झारखंड में चना और धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है अगर चना धान बोलेगा चना धान बोलेगा तो आपको क्या याद रखना है काली मिट्टी रेतीली मिट्टी रेतीली मिट्टी झारखंड में पाई जाती है जो मोटे अनाज के लिए बेनिफिशियल है जबकि काली मिट्टी चना और धान की खेती के लिए उपयुक्त है और राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी भरपूर मात्रा में पाई जाती है ठीक है राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी भरपूर मात्रा में पाई जाती है ठीक है दोस्तों चलिए आप सभी से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं अभी पूछ लू पूछ लू जल्दी से बता देना आप लोग आप लोग मुझे बताइए घाघरा नदी के स्रोत पर कौन सा जल प्रपात स्थित है चलिए कमेंट कीजिए अभी मैं अभी थोड़ा गर्म जलकुंड भी रिवाइज कराना है गर्म जल कुंड छूट गया है तो रिवाइज कराना है उत्तर से तो झारखंड जीके में किसी का कंपटीशन बढ़ गया है झारखंड जीके में सब चालीस पैंतीस छत्तीस सैतीस अड़तीस लाने की बात कर रहे हैं जो करियर फाउंडेशन से जुड़े हैं हम्म बताइए घाघरा नदी के स्रोत पर कौन सा जलप्रपात स्थित है कितने लोग को पता है कमेंट कीजिए जल्दी से घाघरा नदी के स्रोत पर कौन सा जलप्रपात स्थित है कमेंट कीजिए एक सेकेंड चलिए फटाफट फड़ बताइए अभी हम गर्म जल कुंड रिवीजन करवाएंगे फिर सेशन एंड करेंगे गर्म जल कुंड का सवाल नहीं लाए हैं लेकिन रिवीजन करवा के ही दम लेंगे ठीक ना चलिए आंसर आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं हेपात जलप्रपात हेपात हेपात है ना घाघरा नदी के स्रोत पर हेपात है और हेपात जलप्रपात गुमला में है गुमला में घाघरा नदी के स्रोत स्थल पर हेपात जलप्रपात है ठीक है याद रहेगा सबको बिल्कुल याद रहना चाहिए भूलने की बात नहीं है ठीक है चलिए अब मुझे बताइए कावा गर्म जल कुंड ठीक है बताइए जल्दी से गर्म जल कुंड फटाफट रिविजन करा देते हैं फिर हम लोग सेशन को खत्म करेंगे कावा गर्म जल कुंड आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी जल्दी कावा गर्म जल कुंड जो है वो कहाँ स्थित है जल्दी जल्दी बताइए कावा गर्म कुंड कहां है बहुत बढ़िया काबा हजारीबाग में है चरक खुद्र चरक खुद्र कहा है चरक खुद्र गर्म जल कुंड गर्म जल कुंड बताइए चरक खुर्द जल गर्म जल कुंड कहां पर है कमेंट कीजिए जल्दी से चरक खुर्द कहां पर है गर्म जल कुंड याद किए गर्म जल कुंड बहुत बढ़िया कैलाश कुमार का आंसर आ गया है धनबाद में कहा है धनबाद में चरक खुर्द है कावा है हजारीबाग में कावा कहा है हजारीबाग में है दुआरी कहा है दोस्तों दुआरी गर्म जलकुंड दुआरी प्लेन पेज ले लेता हूं चलिए बताइए दुआरी गर्म जल कुंड है कमेंट कीजिए फटाफट और कौन से नदी पर है कौन से नदी पर स्थित है यह भी बताना है आप लोग को तो बता दूं आपको ये बराकर नदी पर स्थित है दुआरी गर्म कुंड बराकर नदी पर स्थित है और कहा है चतरा में है ना दुआरी गर्म जल जलकुंड बराकर नदी पर है और यह है चतरा में दोस्तों याद रखिएगा सभी लोग ठीक ना Sorry, महाने नदी पर है बराकर पे sorry, sorry. ये बराकर नहीं है सॉरी सॉरी बराकर नदी पर नहीं है दोस्तों ये महाने पर है। माफी इसके लिए। चतरा में तो है लेकिन महाने पर है चतरा में है लेकिन महाने नदी पर स्थित है ठीक है नूनबिल गर्म जल कुंड है जल्दी बताइए नूनबिल कहां है नूनबिल गर्म जल कुंड स्थित है कमेंट करना है नूनबिल गर्म जल कुंड और बारा झरना गर्म जल कुंड और भूमका जल गर्म कुंड नूनबिल कहा दोस्तों नूनबिल बिल्कुल सही सोचा आपने नूनबिल हो गया बारा झरना हो गया ये दोनों दुमका में ठीक है नूनबिल बारा झरना भी कहां है दुमका में अच्छा बारा मसिया जानते हैं बारा मसिया गर्म जल कुंड कहां है दोस्तों बारा मसीहा कमेंट कीजिए जल्दी से <laughs> चलिए टेक्निकल थिंग अपना नाम तो बता दीजिए इतना अच्छा कमेंट कर रहे हैं एग्जाम तक क्या आपके नौकरी लगने तक साथ देंगे चिंता ना करें चलिए बताइए बरमसिया कहाँ है बरमसिया पाकुड़ में है बिल्कुल सही कमेंट किया आपने बरमसिया कहां है पाकुड़ में है बरमसिया ठीक है बिल्कुल सही लाडला लाडलाउद भी कहां है बरमसिया लाडला उदह और शिवपुर सोता बरहमसिया लाडला उदह और शिवपुर सोता शिवपुर सोता गर्म जलकुंड तीनों पाकुड़ में ठीक है बरमसिया लाडलाउदय शिवपुर सोता गर्म जलकुंड तीनों कहा है दोस्तों तीनों आपको मिलेगा कहां तो पाकुड़ में मिलेगा ठीक है सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है सूर्य कुंड है ंड हजारीबाग में स्थित है जानते हैं आप लोग हजारीबाग में है बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है इसका 81 डिग्री सी है ना 81 डिग्री सी सेम टेम्परेचर होता है निर्मल टुडू जी बोल रहे हैं सर आपने जो पत्थर को भी हीरा बना दिया है थैंक यू थैंक यू अभी मत बोलो भाई पहले परीक्षा निकालो और ईमानदारी से परीक्षा निकालने के बाद जी बिल्कुल अभिषेक राज दरोगा का भी तैयारी चलता है बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं जी बिल्कुल अभिषेक आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूं तो दोस्तों परीक्षा निकालिए कुछ बनिए उसके बाद आइए मिलने के लिए ठीक ना स्वागत रहेगा आप लोगों का हमारी ओर से स्वागत रहेगा परीक्षा निकालिए अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाइए बस यही दुआ करते हैं आप लोगों के लिए ठीक है तो सूर्यकुंड हो गया हजारीबाग में कावा हो गया हजारीबाग में सूर्यकुंड सबसे गर्म जल कुंड है पूरे देश का ठीक ना चलिए बहुत बढ़िया अच्छा तत्लोई गर्म जलकुंड जो है कहां है भुरभुरी नदी पर दुमका में ततलोई कहां पर है दोस्तों तत्लोई गर्म गर्म जलकुंड दुमका में है ततलोई तो सब रिवाइज रिवीजन कर लीजिएगा ततलोई तो गर्म जल कुंड कहां है मैं एक कोशिश करूंगा एक गर्म जल कुंड पे स्पेशल वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूं है ना चलिए बहुत बढ़िया डेली चलेगा क्लास डेली आप लोग जुड़िए डेली जुड़िए और ज्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट कैसे करें ऑफिशियल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा ना ऑफिशियल नंबर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा वहां आपको ऑफिशियल नंबर मिल जाएगा उसमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा दरोगा बैच जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिएगा उसमें भी विशेष ध्यान देंगे आप लोग को बता दे रहे हैं आप लोग को एक सूचना दे दे रहे हैं कि दरोगा का जो बैच ज्वाइन करेंगे उनको रिकॉर्डेड वीडियो तो पूरा मिलेगा ही साथ ही साथ स्पेशल लाइव क्लास भी मिलेगा एप्लीकेशन में ठीक है एप्लीकेशन में सबको लाइव क्लास भी स्पेशल मिलेगा स्पेशल स्पेशल टॉपिक पे लाइव क्लास देंगे और पूरा का

पलासी के पास भुरभुरी नदी में तपात पानी गर्म जलकुंड दुमका में ही है है ना तपात पानी भी दुमका में है लेकिन तेतुलिया पूछेगा तो दामोदर नदी के तट पर तेतुलिया धनबाद में है दामोदर नदी के तट पर तेतुलिया धनबाद में है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा सब कुछ रिवीजन हो गया वन एवं पर्यावरण अलग पोर्शन है उसको मैं अलग से कवर करा दूंगा एमसीक्यू के माध्यम से वन पर्यावरण और आपदा प्रबंधन तीनों को एक दिन ले आएंगे उसको पूरे पूरा रिवाइज करा देंगे है ना कल का जो सेशन होगा उसमें मैं आपको बता देता हूं क्या क्या करवाऊंगा कल के सेशन में झारखंड की अर्थव्यवस्था ठीक है झारखंड की अर्थव्यवस्था एवं शिक्षण संस्थान झारखंड की अर्थव्यवस्था एवं शिक्षा इस पर हम लोग बात करेंगे तो कल का जो मैराथन क्लास होगा वो झारखंड की अर्थव्यवस्था एवं शिक्षण संस्थान से रिलेटेड होगा तो कल के सेशन में आप लोग जरूर जुड़िएगा अर्थव्यवस्था में हम लोग झारखंड के कृषि पर बात करेंगे झारखंड के उद्योग पर बात करेंगे झारखंड की औद्योगिक नीति पर बात करेंगे और साथ ही साथ झारखंड के जो शिक्षा व्यवस्था है शिक्षण संस्थान है उस पर बात करेंगे तो कल का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैराथन uh, क्लास होगा दोस्तों तो आप लोग भी जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ठीक है कल के 9 बजे के सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण जैसे मैंने नाम रखा है बिल्कुल रामबाण साबित होगा ठीक है फुल टू फुल रिवीजन फुल टू फुल रिवीजन आप लोग को मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं इन सेशन के माध्यम से तो कल झारखंड की अर्थव्यवस्था झारखंड की शिक्षा से रिलेटेड सवाल होंगे जिसमें खनिज होगा जिसमें उद्योग होगा जिसमें कृषि होगा जिसमें शिक्षा और शिक्षण संस्थान होंगे ठीक है तो टॉपिक देख लिया आपने टॉपिक पढ़ लीजिएगा मन लगा करके तब आइएगा ज्यादा मजा आएगा फॉरेस्ट रिपोर्ट भी करवा देंगे चिंता मत कीजिएगा और एक बात सभी लोग लाइव सुन लीजिए जो एप्लीकेशन में सीजीएल वाले बैच में स्टैटिक जीके बचा हुआ है उसकी क्लास आप लोग को मंडे से मिलेगी यूट्यूब पर भी मिलेगी ऐप पर भी मिलेगी बता दे रहा हूं स्टैटिक जीके का क्लास आप लोग को मिलेगा मंडे से सब लोग ध्यान रखिएगा स्टैटिक जीके का क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा मंडे से यूट्यूब पर भी मिलेगा एप्लीकेशन पर भी मिलेगा ठीक है जो स्टैटिक जीके का पोर्शन सीजीएल के सिलेबस में और जेएसएससी के सिलेबस में दिया हुआ है वो सारे चीजें कवर हो जाएंगी ठीक है तो सभी को गुड नाइट सभी को रात्रि, सभी को खैर आज का सेशन कैसा लगा कितना आप सीखे कितना आप रिवीजन किए कितना आपको मजा आया आप लोग कमेंट सेक्शन में लाइव सेशन के बाद जरूर बताइएगा दोस्तों चैट बॉक्स में तो मैं देख लेता हूं बाद में नहीं देख पाता हूं चैट बॉक्स वाला कमेंट इसलिए मैं कहूंगा कि लाइव खत्म होने के बाद अपने comment, अपने कमेंट अपने अपनी प्रतिक्रिया जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखे ताकि बाद में मैं जब उसे पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कुछ सुझाव भी अगर आप देना चाहें तो सुझाव दे सकते हैं अपने जो भी आपको अच्छा लगता है फीडबैक वो भी अपना दे सकते हैं ठीक है बाकी करियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे भी लगातार लाइव क्लासेस कंप्यूटर की चल रही है हिस्ट्री की चल रही है साइंस की भी चल रही है है ना मैथ रीजनिंग की भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है बायो की चल रही है सब की चल रही है करंट अफेयर चल रही है झारखंड करंट अफेयर चल रही है तो आप लोग करियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा और हम लोग इसी तरह से चीजों को रिवाइज करते जाएंगे स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे मजा आ जाएगा आप लोग का ठीक है चलिए थैंक यू सो मच आप सभी को इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब इतने भारी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं दिल से खुशी मिलती है और आपसे बहुत ऊर्जा भी मिलती है ठीक है थैंक यू सो मच दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी एप्लीकेशन में कोर्स वगैरह है जो कमेंट कर रहे थे दरोगा बैच जेपीएससी बैच जेपीएससी पीटी, पीटी मेन जो भी चाहिए आपको आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा खोरठा का सारा बैच है अवेलेबल नागपुरी का बैच है आपको सब मिल जाए ठीक है दोस्तों गुड नाइट रात्रि और ऑफिशियल नंबर आपको पता है डिस्क्रिप्शन में है वहां से ले लीजिए ऑफिशियल नंबर आपको वहां से सारी जानकारियां मिलती है थैंक यू सो मच